शो में बात करेंगे बच्चों के साथ होने वाले नाशायस्ता रवैयों और नाजेबा सलूक की, उनके इस्तेहसाल की, इनके साथ होने वाली जिनसी बदसलूकी के जिसका शिकार हर तबके के बच्चे होते हैं, मगर अंदाज और अतवार शायद जुदा होते हैं। एक गैर सरकारी तंजीम समाज ने इस सिलसिले में आगाही पैदा करने का मुनफरद मंसूबा बनाया। जर्मन सफारत खाने की शराकत दारी से एनिमेटेड सीरीज तैयार की जिसका नाम है सुपर सोनी। पाकिस्तान में बने वाली नई एनिमेटेड सीरीज के पहले सीजन में लड़कियों के साथ जिनसी हरासानी के बारे में बताया जाएगा। 10 एपिसोड्स यानी 10 सीजन होंगे इसके। हर हफ्ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह नशर होगी। सीजन के दूसरे हिस्से में लड़कों के साथ होने वाली जिनसी हरासानी पर रोशनी डाली जाएगी, तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट्स भी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ट्रेलर आपको दिखाते हैं। तो जिन्होंने आइडिया कंसीव किया, जिन्होंने सारी डायरेक्शन दी, जो इस आइडिया के पीछे हैं, हमारे साथ वो मौजूद हैं। अम्मार अजीज़ जो कि डायरेक्टर हैं और सहर मिर्ज़ा जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया गुफ्तगू का आगाज़ का आगाज़ में। सहर, आपसे करना चाहूँगा, किस तरीके से आप लोगों ने ये आइडिया कंसीव किया? ऑब्वियसली ये जो बुराई है माशरे की तो साला साल से सदियों से चलती आ रही है, वो क्या पॉइंट था जहाँ पर आपने सोचा कि यार लेट्स डू दिस, इसको करते हैं? आई गेस सहर को आवाज नहीं जा रही है, क्या मैं ये बिल्कुल जी, क्या मैं ये क्वेश्चन, अगर अम्मार भाई आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप इस सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा कि व्हाट्स द होल आइडिया बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट, कब से आप लोगों ने शुरू किया, क्या कुछ कर चुके हैं अब तक? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम समा टीवी के आप सबके बहुत मशहूर हैं कि आपने हमें आज मदऊ किया और मौका दिया कि हम इस काम के बारे में बात कर सकें, क्योंकि इस बारे में बात करना ही आमतौर पे भाई से निदामत समझा जाता है। इस माशरे में लोग शर्म झिझक महसूस करते हैं जब भी बच्चों के खिलाफ जिनसी हरासानी के वाकयात होते हैं। लोग उनको पेरेंट्स हों या गार्डियंस हों, वो बच्चों को खामोश रहने की तलकीन करते हैं, विच आई थिंक इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। क्योंकि जब तक हम इसको रियलाइज़ नहीं करेंगे कि ये मसला मौजूद है, उस वक्त तक हम इसका हल तलाश नहीं कर सकते। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हमने तकरीबन 2 साल पहले इस आइडिया को कंसीव किया और हमने इस पर आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू किया। फिर बीच में कोविड ईयर की वजह से देयर वाज अ बिट ऑफ अ गैप, लेकिन हम बहुत ज़्यादा पैशनेटली इस बारे में कंसिस्टेंटली काम करते रहे। हमें लग रहा था कि कुछ ऐसा इनिशिएटिव होना चाहिए कि जिसको इस्तेमाल करते हुए हम बच्चों को एजुकेट कर सकें, एम्पावर कर सकें, उनको बहुत ही बेसिक उनके जो राइट्स हैं, बॉडीली राइट्स हैं, उनके बारे में आगाही फराहम कर सकें। और तो ये सारा इसका पसंदीदा था। सही। अच्छा सहर, आपकी तरफ आती हूँ, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही तो प्लीज़ मुझे बताएगा कि जिस तरह से अमार भी जिक्र करे और हमने पढ़ा भी, बच्चों के साथ बदसलूकी होना, उन्हें हरास करना और फिर उसके बाद वालदैन की तरगीब देना कि अच्छा खामोश हो जाओ, किसी से बात ना करो, लेकिन मुझे लगता है अब थोड़ा वक्त बदल गया है। अब तो हम देखते हैं कि डिफरेंट कैंपेन्स चलती हैं और बैड टच, गुड टच के बारे में बच्चों को बताया भी जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। यकीनन आप लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी की होगी और पूरे पाकिस्तान में आप लोगों ने देखा होगा कि कितने परसेंट ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि बच्चों को चुप रहने की तरगीब देते हैं और कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि बच्चों को बोलने के बारे में कहते हैं। तो ये जो आपका इसके पीछे जो रिसर्च वर्क है, मैं चाहती हूँ कि वो आप हमारे साथ शेयर करें। जी सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपने काम के बारे में बात कर सकें। जी जैसा आपने कहा कि ये जो इशू है, ये इसके साथ एक बहुत मेजर स्टिग्मा अटैच्ड है जिसकी वजह से ज़्यादा इस पर बात की नहीं जाती। लेकिन अभी रीसेंट पास्ट में मैं ट्रिगर वार्निंग के साथ बात करना चाहूँगी। जब जैनब का केस सामने आया था, उसके बाद बहुत एक मैसिव रिएक्शन हमें देखने को मिला और जो है पीपल टुक टू स्ट्रीट्स और गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया। उसके बाद एक कल्चरल शिफ्ट आया था, हमने भी तभी इस पर काम करना शुरू किया। इनिशियल फेजेस में जब हम इस पर काम कर रहे थे तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि रिसर्च की जो आप बात करी हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हमारी मैसेजिंग जो है वो बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि हम एक सेंसिटिव इशू से डील कर रहे हैं और हमारी टारगेट ऑडियंस जब बच्चे होते हैं तो हमें अपनी मैसेजिंग हमें बिल्कुल करेक्ट रखनी चाहिए। कोई भी फ्लॉड मैसेज, बच्चों को कोई फ्लॉड इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए।
तो ये एक बहुत मेजर हर्डल था, चैलेंज था, जिसको हमने ओवरकम किया अपने स्क्रिप्टिंग के फेज़ में. हम ये नहीं चाहते थे कि बच्चों को कोई ऐसा इम्प्रेशन जाए कि कोई सेवियर आएगा जो उनकी उनको बचाएगा. तो सुपर सोनी जो हमारी एनिमेटेड सीरीज़ है, उसमें भी अगर सुपर सोनी बच्चों को डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में से बचा रही है, तो वो साथ में उनको एजुकेट भी कर रही है और वो साथ में उनको इतना कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड कर रही है कि वो ऐसी सिचुएशंस में किस तरह से डील कर सकते हैं और क्या फेयरलेसली वो अपने केयर गिवर से, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं. ओके, अच्छा ये सवाल मेरा आप दोनों से है, तो पहले अमार भाई आप इसको कीजिएगा रिस्पॉन्ड कि सुपर सोनी मतलब ये नाम, इसके पीछे क्या आइडिया है? सोनी ये क्या वही कैरेक्टर है जो हम सुनते हैं, वो सोनी महिवाल वाली चीज़, या फिर कोई और? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया. सोनी जो है हमारी पंजाबी फोक लोर में, बल्कि बाकी रीजन्स में भी, शायद सिंधी फोक लोर में भी इसका जिक्र मिलता है सोनी महिवाल का. बहुत ही अहम ये एक कैरेक्टर है और एक ऑलमोस्ट एक फेमिनिस्ट आइकॉन की हैसियत रखती है सोनी, क्योंकि वो सारे चैलेंजेस को, सारे पेट्रियार्कल नॉर्म्स को डिफाई करते हुए वो अब जो खुद वो चाहती है वो करना चाहती है. तो इंस्पिरेशन नाम की बिल्कुल हमने वहाँ से बोरो की सोनी, लेकिन जाहिर है हमारी जो सोनी है शी इज़ एन अंडर एज गर्ल, शी इज़ अ 12 ईयर ओल्ड गर्ल, तो उसकी कोई उस तरह की जाहिर है उसका मिशन डिफरेंट है उसकी, लेकिन दोनों का अल्टीमेटली जो पेट्रियार्कल कल्चर है जिसको हम पितरशाही का निज़ाम कहते हैं, उसको वो जो सोनी फोकलोर में हमें सुनने को मिल रही है वो भी उसको उसके खिलाफ मज़ामत करती हुई नज़र आती है. हमारी सोनी भी जो कि बच्ची है वो भी उसके खिलाफ मज़ामत कर रही है, लेकिन हमने कुछ एलिमेंट ज़रूर वहाँ से बोरो किए हैं, जिस तरह घड़े का इस्तेमाल है, जिस तरह कुछ और चीज़ें हैं, कुछ सूफ़ी पोइट्री है उसमें जो हमने इनकॉर्पोरेट की है. तो ये है बिल्कुल. ओके, और सहर ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दिस इज़ योर एंडीवर टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. नाउ द थिंग इज़ के ये चीज़ हमारे घरों में हमारे वालदैन को समझाना कितना ज़रूरी है कि आप अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनको उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर रहे हैं, उनके कपड़े का बंदोबस्त कर रहे हैं, इट्स नॉट इनफ, यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम विद देम, उनको गुड टच बैड टच इसके हवाले से एजुकेशन देना ये भी आपकी ही जिम्मेदारी है. जी बिल्कुल, ऐसा है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में और यहाँ पे एक टॉक्सिक पेरेंटिंग का कल्चर है, जिसकी वजह से रिपोर्ट्स तो आती हैं, हमें मीडिया में पता चलता है कि ये केसेस हैं, रिसर्च वर्क भी हो रहा है और गवर्नमेंट जो है वो एक्शन भी ले रही है, लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं, बिल्स पास होते हैं, लेकिन क्या हम रेडी हैं कि अपने बच्चों से भी बात कर सकें इस बारे में? इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए हमने ये आइडिया सोचा था कि चाइल्ड सेफ्टी एजुकेशन और चाइल्ड प्रिवेंशन एजुकेशन होनी चाहिए. और ये जो इसकी सुपर सोनी की टारगेट ऑडियंस सिर्फ बच्चे नहीं हैं, इसमें पेरेंट्स भी हैं. जो पेरेंट्स इसको देखेंगे उनको शायद इस सुपर सोनी को देखने के बाद ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो, उनको शायद ये मौका मिले कि वो अपने बच्चों से इजीली बात कर सकें इस बारे इस इशू को लेकर. और एक डिबेट ओपन करना चाहते थे हम सुपर सोनी एनिमेटेड सीरीज़ के थ्रू. सही है. अच्छा सहर, जैसे आपने बात की ना कि पेरेंट्स का बात करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशली अगर मैं छोटी बच्चियों की बात करूँ ना तो वो डर जाती हैं. ऑब्वियस है कि छोटी बच्चियों की तो बेस्ट फ्रेंड उनकी अम्मा ही होती है, लेकिन वो कभी कभी डर के मारे अपनी माँ को भी ये चीज़ें नहीं बता सकती. और ये एक काविज़ जो है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे बड़ा अच्छा रंग लेकर आएगी. अमार, ये तो हमने लड़कियों के हवाले से बात करी, अगर मैं ये कहूँ कि दूसरा सीज़न लड़कों को हरास करने पर, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे, हमें पता है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हम अक्सर ऐसे ड्रामास भी देखते हैं जिसमें आपका कोई चौकीदार है या घर में काम करने वाला कोई है तो वो जो घर के बच्चे होते हैं ना हमारे, उन्हें हरास करता या फिर उनके साथ बदसलूकी करता हमें नज़र आता. और फिर बच्चों का भी यही सीन होता है ना कि वो पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते. तो जो नेक्स्ट सीज़न होगा उसमें हम क्या डिफरेंस देखेंगे? कौन सा किरदार ऐसा है जो कि बच्चों को बचाएगा और पेरेंट्स को ये बताएगा कि अच्छा लड़कों के साथ भी बात करना उतना ही ज़रूरी है जितना हम कहते हैं कि छोटी बच्चियों के साथ बात करना ज़रूरी है?
जी बिल्कुल, किरदार तो सोनी ही रहेगी, सुपर सोनी ही की के बारे में ये सीरीज़ है। लेकिन जिस तरह से आपने फरमाया उस बारे में मेरा नुक्ता नज़र ये है कि ये मसला सिर्फ एक एक तबके तक, एक क्लास तक लिमिटेड नहीं है कि घर में कोई काम करने वाला मुलाजिम या चौकीदार ही वो लोग हैं जिनसे बच्चों को की हिफाजत ज़रूरी है। ये तमाम तबकात जो हैं, चाहे वो और बच्चों, वो तमाम अफराद जिनका बच्चों से बराह रास्त ताल्लुक़ रहता है, चाहे वो असातिज़ा हों, चाहे वो किसी और शोबे में काम करने वाले मतलब स्पोर्ट्स टीचर्स हों, चाहे, तो ये एक थोड़ा सा जब हम ये कहते हैं ना तो हम थोड़ा सा उसको उस चीज़ को हम एलिमिनेट कर देते हैं कि भाई ये ख़तरा हमें अदर्स से है, ये हमारे अपने सर्कल फैमिली मेम्बर्स से बहुत मसला रहता है, बहुत केसेस आते हैं सामने। लेकिन बिल्कुल, तो लड़कों के हवाले से, बच्चों के हवाले से भी हम इस पर काम करेंगे। लेकिन ये जो हमारा इनिशिएटिव है, ये जिस प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है, उसका नाम है गर्ल्स सेक्सुअल अब्यूज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम GSAP, जिसका एक कंप्लीमेंट ये है सोनी, और बाकी उसमें चीज़ें शामिल हैं। और हमारी ये दरख्वास्त है गवर्नमेंट से भी और बाकी तमाम देखने वालों से कि उसमें अगर हमारे साथ व्हाट वी नीड इज, हम एक चीज़ क्रिएट कर रहे हैं लेकिन हमें जिस तरह स्टेट टीवी पर कोई स्लॉट मिल जाए जहां पर हम ये दिखा सकें, वी डोंट वांट टू चार्ज एनी मनी फॉर दैट, राइट, दिस इज़ अ नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव। तो ये बड़ी अच्छी बात है अमार, और आई थिंक शायद इस तरह के स्टेप्स हमें लेने चाहिए अपनी सोसाइटी में, क्योंकि बच्चों के हवाले से पेरेंट्स को मुहतात करने की बहुत ज़रूरत है। बेहद शुक्रिया अमार, आपका भी सहरा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। मसले मसाइल बहुत हैं, महंगाई, बेरोज़गारी या फिर पढ़ाई की फ़िक्र, हर हाल में, लेकिन अपने आप को आपने अपलिफ्ट कैसे रखना है, खुश कैसे रहना है, अब ये पढ़ाया जाएगा। यानी लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज खुशी में डिग्री भी करवाएगी, तो ये कैसा इकदाम है और इस पर हम बात करेंगे। प्रोफेसर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक तो बड़ा ज़बरदस्त आपका इनिशिएटिव है और मुझे ये बताते हुए भी खुशी महसूस हो रही है कि अब आप लोग खुशी में डिग्री करवाने जा रहे हैं। सर, इसका नाम क्या है इस डिग्री का, पहले तो मुझे ये बताएं। बहुत शुक्रिया फैसल। तो यही मकसद था इसका कि आप लोगों को खुश करें और पाके तमाम खुश होना सीखें, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीखें जैसे आप कर रहे हो अभी। तो इसका नाम है हेल्थ एंड हैप्पीनेस, और ये 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम है लीडिंग ऑन टू PhD प्रोग्राम। और ये इसका मकसद बेसिकली ये होगा कि हम उसातज़ा और रोल मॉडल्स और मास्टर ट्रेनर्स इस सब्जेक्ट में, जो कि एक इंतहाई अहमियत का सब्जेक्ट है किसी इंसान के लिए भी और किसी मुल्क के और माशरे के लिए भी, तो इसलिए इसको ना कि हम ये डिग्री प्रोग्राम करेंगे, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें टीचर्स क्रिएट करेंगे, ट्रेनर्स क्रिएट करेंगे, जो हमारे आम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं MBBS का, BDS का, नर्सिंग का, इनमें भी पढ़ाएंगे, इनका भी पार्ट बनेगी हेल्थ एंड हैप्पीनेस, क्योंकि ये हेल्थ एंड हैप्पीनेस दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ज़ाहिर है एक ठीक होगा तो दूसरा ठीक होगा, और ये इंटरेक्ट इनका हर सतह पे, हर लेवल पे, हर डे होता है कि हेल्थ और हैप्पीनेस। इसलिए एक पार्ट इसका फिटनेस का है, फिजिकल फिटनेस का, जिसको हम हेल्थ कहते हैं, और दूसरा साइकोलॉजिकल फिटनेस और साइकोलॉजिकल रिलैक्सेशन की टेक्निक्स हैं जो सिखानी पड़ेंगी हमें माशरे को। अल्टीमेटली दिस इज़ ए पीपल सेंट्रिक डिग्री, दिस इज़ ए पाकिस्तान सेंट्रिक डिग्री। तो इसको मैं हम बहुत उम्मीद करते हैं कि हम अपना हिस्सा डाल सकेंगे, जो यूनिवर्सिटीज़ का काम है इनोवेशन और इंटरवेंशन करके, कि लोगों के लिए रिलीफ का बायस बने। प्रोफेसर साहब, आप इससे इत्तफाक करेंगे कि हमारा जो करिकुलम है, ऑब्वियसली पंजाब के भी के वो थोड़ा एडवांस्ड है, सिंध बलूचिस्तान बहुत पीछे, लेकिन मजमूई तौर पर भी हमें इसी तरीके के किसी चीज़ की ज़रूरत थी कि हम एडवांस दुनिया के साथ ना सिर्फ कदम से कदम मिला के चल सकें, बल्कि अपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए करिकुलम वाइज भी कुछ सोचे। और इस एंडेवर की तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, यानी कि अब हम ये कह सकेंगे अपने बच्चों को जब वो पूछेंगे कि यार हम क्या करें, तो हम उनको ये कह सकेंगे यार खुशी में डिग्री कर लो, बड़ा स्कोप है। तो मुझे बताएं कि इसका स्कोप क्या है, क्योंकि आपको पता है हमारा माशरा ऑल मनी ड्रिवन, तो अगर कोई बच्चा आज करना चाहे तो ये बोलेगा यार मैं इसमें करियर कहाँ बनाऊँ, मुझे क्या जॉब मिलेगी।
देखें फैसल, ये हमने जब इससे काम शुरू किया साल हो गया, तो उसके बाद 6 माह हो गए हैं तकरीबन। इसमें यूएई ने मिनिस्ट्री क्रिएट कर दी है हैप्पीनेस की, वहाँ एक फीमेल हैं ज़ारा, वो इसको लीड कर रही है, इस वक्त पहली मिनिस्टर उनकी लगी हैं। तो जाहिर है कि ये अब ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होगा और ये यूनिवर्सिटी से ही शुरू होना चाहिए और होगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाएगी और इम्पोर्टेंस देनी जानी चाहती है, क्योंकि ये इसमें कोई किसी सोशल क्लास का नहीं है। गरीब से गरीब मरीज़ जिसकी अभी बेटी को गोली लग गई, उसको भी इसने अफेक्ट करना है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी इफ़ेक्ट करना है, और सबसे अमीर पाकिस्तानी को भी इफ़ेक्ट करना है। लोग जोड़ते हैं हैप्पीनेस को दौलत के साथ, जो कि बिल्कुल गलत है हम समझते हैं। हैप्पीनेस देखें, प्राइस बॉन्ड कभी किसी का निकलेगा ज़िंदगी में, पता नहीं, नहीं निकलेगा, लॉटरी निकलेगी, नहीं निकलेगी, किसी के लिए जान दे देगा, नहीं दे देगा, ये तो बातें करने की हैं। हमें आम चीज़ों से, रोज़मर्रा की चीज़ों से, अभी मैं एक कप ऑफ कॉफ़ी पी रहा था तो मुझे ये इन्जॉय करना था कि अच्छा कप ऑफ कॉफ़ी है और इसको सेलिब्रेट करना था। आपने इतनी अच्छी माशाल्लाह टाई लगाई है, जब आपने लगाई इट शुड हैव ब्रॉट यू रिलीफ, आई एम श्योर इट डिड, कि आपको छोटी छोटी, आपने आज एक प्रोग्राम अच्छा कंक्लूड कर लिया, यू शुड सेलिब्रेट इट। मैंने कोई अच्छी क्लास, अच्छा लेक्चर ले लिया, मुझे वो सेलिब्रेट करना है। मैंने मेरा कोई अच्छा रिसर्च पेपर छप किया, मैंने वो 2-3 लोगों को, दोस्तों को या अपनी बेगम को बुला के, बच्चों को बुला के सेलिब्रेट करना है। तो ये सेलिब्रेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखें, आपने एडवर्सिटीज़ हमारे माशरे में बहुत हैं, आप दिखाते हो हमारा मॉर्निंग शो, हम एक्सपेक्ट करते हैं एक रिलीफ होगा, हमसे मिलके उसका तश्कील दिया जाएगा स्क्रिप्ट, ताकि हम ये चाहेंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग इज़ द वर्स्ट टाइम इन एनी ह्यूमन बींग्स लाइफ। सारे फालिज तब होते हैं, सारे हार्ट अटैक, क्योंकि उस वक्त जो हार्मफुल हार्मोन्स हैं आपके, जो खौफ के हार्मोन्स हैं, कैटकोलामीन, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन हाइस्ट होते हैं, जो सुकून के एंडोर्फिन्स हैं या आपके डोपामीन है, जो अच्छे हार्मोन्स हैं जो आपको प्लेयर देते हैं, वो बिल्कुल डाउन होते हैं। तो इसलिए उस टाइम पे हमारी इंटरवेंशन, एक इसका हिस्सा ये भी होगा कि हम चैनल्स को बताएंगे, जो हमारे ही चैनल्स हैं, कि उनको क्या करना चाहिए कि लोग वो वल्नरेबल टाइम को, जिसमें उनका एकदम ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और प्लेटलेट स्टिकीनेस बहुत बड़ी होती है, उसको कैसे फ्लैटन डाउन किया जा सकता है। और ये बहुत सारे आसान टेक्निक्स हैं, और इनको अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ले आएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए मेरा अगर हाथ जल गया, और वाकई जल गया था एक कॉन्फ्रेंस पे, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, तो मेरे दो एस्पेक्ट थे ना, मैं कहता मैं ही क्यों, और इतनी कॉन्फ्रेंस में इतनी दूर गया चल के और हाथ जल गया, और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने पूरी कॉन्फ्रेंस की। और उस दिन से आज तक 6 माह हो गया, मैं रोज़ सुबह हाथ को उठ के, मेरी बेगम कहती है हाथ को क्यों देखते हो, मैं कहता हूँ मैं खुश होता हूँ कि आज 10% 5% हील हो गया, मैं खुश होता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, एंड आई सेलिब्रेट इट। सो यू नो दीज आर द वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स दैट यू हैव टू सेलिब्रेट, लर्न टू सेलिब्रेट। हमारे माशरे में वी हैव ओनली लर्न टू कर्स एंड वी हैव ओनली लर्न टू कंप्लेन। देखें, जब हमारे माशरे, हमारे मजहब में तो इतनी बड़ी चीज है कि आपके और मेरे बस में ही नहीं है, ना जिंदा रहना, ना इज्जत लेना, ना जिल्लत लेना, ना दौलत, ना पैसा, कोई मेरे और आपके बस में नहीं है। मेरे और आपके बस में है नियत करना और एफर्ट करना और फोकस्ड रहना, दैट इज इट। रिजल्ट अल्लाह ताला के, तो फिर रिग्रेट किस चीज की? अल्लाह तो कहता है कि मैं दूंगा जरूर, देर से दे दूंगा, तो सब्र अल्लाह ताला ये भी कहते हैं। तो हमारे मजहब का भी, ये मजहब भी हमारे इस डिग्री प्रोग्राम का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम समझते हैं कि अगर आप वाकई अच्छे मुसलमान हैं तो आपके सर से पहाड़ भी गुजर जाएगा, और आप फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, और जब शुक्र अदा करेंगे तो दैट विल ब्रिंग यू हैप्पीनेस, बिकॉज वो उम्मीद जगाएगा। जब आप दुआ मांगेंगे दैट मीन आपको अल्लाह के घर से उम्मीद है, और उसका दामन नहीं छोड़ेंगे तो आप खुश होना सीखेंगे। तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स दैट विल कम अप। ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, हर दूसरे पाकिस्तानी को 50 साल की उम्र में 25% को अब शुगर हो चुकी है। वेयर आर वी हेडिंग? सो उस पर फिटनेस आना भी ज़रूरी है, वेट मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है, वो फिजिकल साइड है। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ वेरी वेरी मच ऑर्डिनरी पाकिस्तानी सेंट्रिक डिग्री। एब्सोल्युटली। और मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा सर, कि कितना अर्सा हो गया इसको लॉन्च किए हुए, कितने स्टूडेंट्स इसमें एनरोल हो चुके हैं, और इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं? अभी तो फैसल जस्ट वी हैव लॉन्च्ड इट, और लेकिन अभी हमने ये ऑर्डिनरी आम स्टूडेंट के लिए नहीं लॉन्च की, हमने हेल्थ साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए की है, क्योंकि हम समझते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक डॉक्टर को, एक नर्स को इसकी है, बिकॉज डॉक्टर और नर्स हम
एक एग्नी के साथी हैं, हम मिजरी के साथी हैं। देखें, मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हूं, मैं आईसीयू में भी काम करता हूं, मेरे हाथों में लोग मरते भी हैं और मरते रहेंगे अनफॉर्चुनेटली। तो लोगों को मैं कहता हूं, आपकी माँ एक दफ़ा मरती है, मेरी रोज मरती है। जिस खानदान की एक बुजुर्ग औरत की मैं इलाज करता हूं, उसके बच्चे मेरे दोस्त बन जाते हैं, मैं उस खानदान का हिस्सा बन जाता हूं। उस एक 5 दिन क्रिटिकल केयर में दिन रात उनको बताना कि बच रही है नहीं बच रहे, जो भी उनको काउंसिल करना। तो ये एक बहुत, वी रिमाइंड पीपल ऑफ एग्नी के मेरे बाप की डेथ इनके हाथ में हुई थी, मुझे फालिज इनके हाथ में हुआ था, वट एवर ये होना है। सिवाय इसके के जो ऑब्स्टेट्रिक्स में हमारे कोलीग्स काम करते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं मेल बॉय को, वो सेलिब्रेट होता है, हमारे तो हॉस्पिटल में सेलिब्रेशन बहुत कम होती हैं। इसलिए हम समझते हैं कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को सबसे बड़ी ज़रूरत है इस डिग्री की। दैट इज़ वाई कि जिन्होंने बीएस किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है, उनको 2 साल करके मास्टर्स, और फिर उसके बाद ये वहाँ रुकेंगे नहीं, हम पीएचडी करेंगे, रिसर्च करेंगे कि कौन सी टूल्स होंगे टू ब्रिंग हैप्पीनेस इन लाइफ अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई एम सेइंग। तो उसके बाद एविडेंस बेस्ड टूल्स हमने ढूंढने, और वो पीएचडी से आएंगे। जब हम इसमें उम्मीद करते हैं कि हम 10 से 12 पीएचडी स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब। और आपकी इन बातों से भी बहुत से लोग जो देख रहे होंगे बड़े खुश हुए होंगे, और यकीनन कभी वक्त आएगा तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू एनरोल माई सेल्फ इन। थैंक यू सो मच। और गयूर सकाफत के आशिक मिल्लत की हिमायत के हम रखवाले हैं, कदरों के हम दाई अमन व मोहब्बत के रखवाले हैं, हम फूल एक गुलदान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। जी हाँ, जब भी हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो हमारे जहनों में बुलंदों वाला पहाड़ और बर्फ़ से ढकी जो है चोटियाँ, गुनगुनाते झरने, बहते दरिया, लहलहाते खेत और बहुत ही खूबसूरत लोग जो है वो हमारे जहनों में होते हैं। लेकिन एक चीज़ वो ये कि बहुत सारे मुनफरद फेस्टिवल्स पूरा साल होते हैं ये, जो आपको पता भी नहीं चलते और वो हो भी जाते हैं। अब क्यों नहीं पता चल पाते ये, और ऐसे ऐसे डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, इनमें एक जश्न महफंग है जो इस करदू बल्तिस्तान का मुनफरद फेस्टिवल है, इसके अलावा शाप है, इसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। इसमें बल्ती लोग जो हैं वो खुशियाँ मनाते हैं, रक्स करते हैं, चरागा करते हैं, और ये नई साल के जश्न का ये जो है वो होता है सेलिब्रेशन। और जहां मुल्क भर में एक जानब जाड़ा धूम मचा रहा होता है, बल्तिस्तान के लोग गर्मियों को खुश आमदेद कह रहे होते हैं। आप देख सकते हैं अभी जो आप मनाजिर देख रहे हैं, जैसे कि आपने टीवी पे अक्सर हैलोवीन देखा होगा, तो बताएं पूरी दुनिया जो है वो हैलोवीन के लिए पागल ही हो जाती है, लेकिन आपको पता था कि देसी हैलोवीन भी होता है हमारा, और वो इस तरह का जश्न होता है, और क्या ही ज़बरदस्त जो है वो फेस्टिवल है। तो इस जैसे कितने मज़ीद फेस्टिवल्स होते हैं, और ख़ास तौर पे जो बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक होता है ना, अच्छा कई मरतबा हम ये भी करते हैं कि हम जो खैबर पख्तूनख्वा का जो मौसीकी होती है वो हम कंफ्यूज कर जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान के म्यूज़िक से, लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डिफ्रेंशिएट करने की। तो एक तो ये कि ये कौन कौन से मज़ीद त्यौहार होते हैं ये हम जानेंगे। गज़र से हमारे नुमाइंदे आजकल कराची आए हुए, तो हमने उनको पकड़ लिया। हमारे साथ वाहिद मौजूद है। वाहिद, सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और इसके अलावा माहिर सयाहत हैं अली अनवर भाई, जो कि हमें जीबी से ज्वाइन कर रहे हैं। अली साहब, आपको भी हम वेलकम करते हैं। पहले वाहिद, आपसे हम बात का ज़रा आगाज़ करते हैं। वाहिद, ये महफंग हो गया या फिर शाप हो गया, तुखमरेज़ी हो गया, मुझे बताएं कि ये फेस्टिवल पूरा साल होते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, कौन कौन से होते हैं, और हर छोटी छोटी, जैसे कि अभी इस सेगमेंट से पहले हम बात कर रहे थे, हर छोटी छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए, तो आप लोग जो हैं वो हर मंथ कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ज़रा बताएं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, हर साल होते हैं ये फेस्टिवल्स, तो मतलब है कि महीने में कोई ना कोई फेस्टिवल तो वहाँ पर होता रहता है। ये जो फेस्टिवल है अभी जो चल रहे हैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, जैसा कि बल्तिस्तान में महफंग का फेस्टिवल हो गया, गिलगित में और गीज़र में इस वक्त नसालो फेस्टिवल चल रहा है, और इसके अलावा शाप, जो कि एक बेहतरीन हमारा एक रिवायती एक सकाफत है, जो कि रस्म है, वो इसकी अदायगी इस महीने में होती है। इसका ये होता है कि नसालो जब होता है दिसंबर के पहले हफ्ते से शुरू होता है, उसका एक मखसूस टाइम है
जो कि 20 तारीख तक इसका सिलसिला चलता है। उसके बाद कहाँ ये जा रहा है कि जब नसालों का तरीकाकार ये है कि गोश्त उसका रखा जाता है सर्दियों के लिए, मतलब है कि अपने लिए सर्दियों का जो स्टॉक है वो कर देते हैं। बैकग्राउंड में हम इसके जाएं तो इसका ये है कि पुराने ज़माने में ये होता था कि लोगों को एक्सेस नहीं था बाज़ार तक, बाज़ार थे भी नहीं इतने जिस तरह के आज है, चिकन वगैरह अभी तो मिल रहा होता है। हाँ। उस वक्त गोश्त का कंसेप्ट ही नहीं था, सर्दियों में फ्रीज हो जाते थे लोग, जीपेबल रास्ते नहीं थे, वहाँ पे सड़कें नहीं थी, फुटेबल रास्ते थे, तो वहाँ से एक्सेस नहीं था, मतलब है कि लोगों को, इसलिए किसी जानवर को ज़बह करते थे और अपने लिए ये गोश्त रखा करते थे, किसी स्टोर में लटकाते थे और इसको फिर पूरे सर्दियों में मार्च अप्रैल तक इसको खाया जाता है। सही। तो वो जो 1000 साल तकरीबन पुराना ये रस्म है, 1000 साल आज तक, जी बिल्कुल आज तक ये चलता आ रहा है। अच्छा, फिर मुझे थोड़ा सा महफंग के बारे में अगर आप मुझे बता सकें तो बताइए, क्योंकि हमने देखा कि लोग जो है वो रात में निकले हैं और वो चराग लेके निकले हुए हैं, लकड़ियों में आग लगाई हुई, तो और साथ कोई मुजस्मा वगैरह भी बनाते हैं, उसको भी आग लगाते हैं, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? महफंग असल में यह है कि बल्तिस्तान में इसका रुझान थोड़ा सा ज़्यादा है, तो बल्तिस्तान वाले लोग इसको मनाते हैं, वहाँ पर इसका भी नसाल और ये तखमरेजी के साथ सेम ही है, क्योंकि सर्दियों के बाद जब गर्मियाँ आती है तो फिर उसको वेलकम करने के लिए उन लोगों ने ये एक बेहतरीन उनका एक रस्म है वो अदा करते हैं इस और, महीने और में। ये जो फेस मास्क लगा के और ये क्या चीज़ है ये जो मैं, हाँ ये जो फुटेज में भी आप देख रहे हैं, ये शाप जिसे कहते हैं, ये एक मुनफरिद रस्म है हमारे इलाके का ना, तो वहाँ पर लोग इस तरह करते हैं कि ये नसालों से रिलेट करता है ये भी है। तो नसाल जब ख़त्म होता है, इसका सीज़न क्लोज हो जाता है, उसके बाद फिर इसका सीज़न शुरू हो जाता है, कुछ 10-15 दिन का ये दौरानिया है। ठीक है। इसमें ये होता है कि नौजवान इलाके के गाँव के वो इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर और हर घर के बाहर जाके दुआएँ देते हैं। शाप का मतलब है दुआ देना। अच्छा। उसमें एक सरबराह होता है, जैसा कि आप फुटेज में देख रहे हैं मास्क पहना हुआ है, वो उनका सरबराह है जिसे हम दादो कहते हैं। ठीक। तो दादो दुआ देता है, बाकी उसके साथ जो नौजवान मिले हुए होते हैं वो आमीन कहते हैं। तो फिर ये एक घर घर जाके ये सिलसिला पूरा हो जाता है और वो उनको रिटर्न में कुछ खाने पीने की, बिल्कुल ये नसालो गोश्त फिर उनको दे देते हैं। अगले दिन फिर उनका एक ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है, उसमें फिर ये गोश्त पकाया जाता है, ये और इस तरह फिर रक्स वगैरह भी सारा ये वाला सिस्टम चल रहा है। सोचे कि जो आप लोग देख रहे हैं कि आपको पता था कि पाकिस्तान में हमारे खित्ते में इतने ज़्यादा फेस्टिवल पूरे साल होते हैं। तो अब हम बात करते हैं, अली अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर सयाहत हैं। अली साहब सलाम अलैकुम, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। देखें ये तो इतने फेस्टिवल हैं कि हम इसकी गुफ्तगू करने का आगाज़ करें तो ये ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि हमने देखा पूरी दुनिया में टोमाटिनो फेस्टिवल होता है, स्पेन में लोग जो है वो जो उनकी जो स्ट्रीट बुल फाइट होती है उसको देखने जाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पाकिस्तान में भी जिस तरह कलाश वाला हो गया तो विंटर फेस्टिवल आ गया, चाउमूस आ गया, फिर उनका स्प्रिंग फेस्टिवल आता है, पूरी दुनिया से आते हैं लोग देखने वो। हालाँकि मैं किसी को डिमीन या बिलिटल नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ लोग जाते हैं तो शायद वो एक्सपेक्टेशन पे इतना शायद पूरा नहीं उतरते, क्योंकि वो एक छोटा सा फेस्टिवल होता है, उसमें जाहिर सी बात है जो कपड़े बड़ी रंगीन वहाँ की खातिन पहनती हैं वो बहुत अट्रैक्ट करता है और उनकी अपनी एक हिस्ट्री भी है। अच्छा, लेकिन ये हिस्ट्री भी तो कम नहीं है, हज़ार हज़ार साल पुराने फेस्टिवल हैं ये, तो ये दुनिया को क्यों नहीं पता? दुनिया कलाश भी आए लेकिन दुनिया ऐसे फेस्टिवल में गिलगित बल्तिस्तान का रुख क्यों ना करे, ज़रा ये बताएं मुझे। बहुत शुक्रिया समा टीवी का, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बहुत कर दिया कि मैं फेस्टिवल्स के हवाले से टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अपना बता सकूं। जैसे भाई सारे अच्छा, हम दोबारा आपसे वो करते हैं। अच्छा, यही बात अगर मैं वाहिद आपसे कहूं, जैसे कि कैलाश में बड़ा वो होता है फेस्टिवल जो है, लोग जा रहे हैं देखने, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे टूरिज़्म डिपार्टमेंट की कोई फेलियर नज़र आता है कि वो इन इतने खूबसूरत फेस्टिवल्स को अच्छे से मार्केट नहीं करती? क्योंकि जीबी है तो सिर्फ माउंटेनियरिंग के लिए रुख करेंगे लोग, वरना फेस्टिवल्स के लिए क्यों नहीं करते? हाँ, ये भी है कि जीबी गवर्नमेंट और टूरिज़्म डिपार्टमेंट की भी गफलत इसमें है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की टूरिज़्म के ऊपर, ख़ासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान में, डिस्ट्रिक्ट गेजर के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है सयाहत के, तो उसको ऊपर लाने के लिए सयाहत का जो शाबा है वो सही तरह से काम नहीं कर पा रहा।
एक तो ये है, दूसरा इन फेस्टिवल्स के बारे में आपने पूछा, इनके बारे में लोगों को पता क्यों नहीं है। पता इसलिए नहीं है कि पहले ज़माने में सोशल मीडिया वहाँ पे होता नहीं था। अब अगर सोशल मीडिया है तो उसमें नेट का बड़ा इशू है हमारे पास, आपको पता है नेट इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, नेट नहीं चल रहा बिल्कुल, देख लिया अभी। हाँ, तो ये भी एक बड़ा मसला है। और फिर नेशनल मीडिया हमारा जो है उसका फोकस कम था इन फेस्टिवल्स के ऊपर। अब आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये दिखाएं ये फेस्टिवल्स, और लोग भी बड़ा इंटरेस्टेड है इसमें। पिछले साल हमने तखमरेजी का फेस्टिवल जो कि देखा यासीन में जो होता है, उसमें हमने देखा पूरे दुनिया से लोग, इंटरनेशनल टूरिस्ट उसको देखने के लिए खुसूसी तौर पर वहाँ आए थे। अच्छा, अब मुझे आखिर में सिर्फ, और ये पंडर की शायद तस्वीर भी हम चला रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज, मुझे आखिर में वाहिद ये बताएं आगे कौन से फेस्टिवल आ रहे हैं ताकि हम लोगों को अभी बता दें। अभी आगे रिसेंटली हमारा ये जो खलती लेक है जी, वो फ्रीज हो चुका है, उसके ऊपर एक फेस्टिवल हो रहा है। अच्छा, फ्रीजिंग फेस्टिवल उसके ऊपर हो रहा है। उसके अलावा आगे जाके नवरोस आ रहा है 21 मार्च में जी, तो फिर ये सिलसिला चलता जा स्प्रिंग का वो जो होगा। अच्छा, एक बार फिर अली अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, मुझे बताइएगा, अपना जवाब कंटिन्यू कीजिएगा, मैंने आपसे पूछा था कि क्यों हम दुनिया को नहीं बता पा रहे कि हमारे खित्ते में हज़ार हज़ार दो दो हज़ार साल पुराने फेस्टिवल हैं और दुनिया इनकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होती। अली भाई से हम कभी और मज़ीद बात करेंगे, लेकिन कितनी अच्छी ये बात है कि हमारे पास ऐसे रंगीबल हैं कि जिससे ना सिर्फ दुनिया को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं बल्कि अच्छा खासा ज़र मुबादला भी हासिल कर सकते हैं। अभी एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक को उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद बातें होंगी आपके साथ, हमारे साथ रहिएगा। आओ आओ भाई, आपने अक्सर फिल्मों में हीरो को इस तरह कबूतरों को दाना डालते देखा होगा, लेकिन अब आपको फिल्मों की दुनिया से हकीकी दुनिया में लेकर आते हैं और बताते हैं कि कबूतरों को दाना डालना कितना नुकसानदेह हो सकता है, हम कैसे इन्हें सुस्त बना रहे हैं और एक कैसे बायोडायवर्सिटी के लिए खतरा बनते चले जा रहे हैं। तो ये बड़ा अहम मौजू है, हालांकि शायद जो घर में बैठे लोग हैं जिनका कुछ अकीदा है, जो ये समझते हैं कि परिंदे भूखे हैं, वो शायद इस मौजू की हसासियत आज जानेंगे। तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इकोलॉजिस्ट रफीला साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नया दिन को वक्त देने के लिए। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था, मुझे तो लगता था कि ये भूखे हैं तो इनको दाना डाल दें, इससे अल्लाह मियाँ सवाब भी दे देगा, इनका भी पेट भर जाएगा, हमारे भी कुछ काम हो जाएंगे। तो ज़रा मुझे बताएं कि क्या वाकई ये काम सही है, इनको फीड करना सही है या फिर ये अननेचुरल काम है? देखिए, थोड़ी सी कुदरत के साथ नाइंसाफ़ी है। तमाम दीगर ज़ीरू जो हैं उन सब के हकूक़ हैं, आप एक ही को क्यों दाना डालें? क्या ये कबूतर दाना डालने के लिए और छोटी चिड़ियाएँ आज़ाद करने के लिए रह गई? दरअसल हमने अपना एक माइंडसेट बना लिया है, कुछ चीज़ें हैं कि जिनको कि हम कहीं अपनी मोहब्बतों में अपनी अकीदतों में समो लेते हैं और साइंस को और दीगर चीज़ों को बस एपोच डाल देते हैं, मसाइल हमारे लिए फिर उसके पीछे छुपे हुए मसाइल को ज़रा इग्नोर कर देते हैं। तो ये चीज़ जो है एक इम्बेलेंस की तरफ ले जाती है, और यहाँ जहाँ बहुत सारे अब माहौलियाती मसाइल हो रहे हैं, इसका एक माहौलियाती पहलू। अच्छा, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये 4500 कबले मसीह में पहला परिंदा था जिसको डोमेस्टिकेट किया गया, उसके बाद पैगाम रसानी के लिए इसको इस्तेमाल किया गया, इनिशियली तो मीट प्रोडक्शन के लिए इसको बढ़ा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये हर जगह सड़कों पे मुख्तलिफ चौक चौराहों पे हमें नज़र आते हैं। तो ये जो जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं उसको, इसके बैलेंस को ख़राब कैसे किया इस चीज़ ने? मैं अगर आपको आम अहम ज़बान में समझाने की कोशिश करूं तो ये कहूं कि ये जानवरों के कोनों कार्पस हैं जो शहरों में पल रहे हैं, यानी आप किसी एक चीज़ को अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए प्रमोट कर रहे हैं। ये आप यहाँ गौर करेंगे, ये इस पूरे झुंड में आपको छोटी चिड़िया नज़र आ रही है? जी बिल्कुल नहीं नज़र आ रही, जो छोटी चिड़िया जिसको स्पैरो क्या करते थे वो बिल्कुल इसी तरीके से दीगर नौ जो नौ अनवा के जो जानवर हैं, जो परिंदे हैं, वो इससे बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब है आप सेलेक्टेड फीडिंग कर रहे हैं।
इसका दूसरा पहलू ये है कि इन हजरत को ये कबूतरों को थोड़ा वक्त अपनी सही में गुजारने के लिए मिल जाता था, जो अपने दाने की तलाश में मिलता था वो अब कुछ नहीं मिल रहा, वो अब वो अय्याशी के आदि हो गए। यानी कि हमने इनको अय्याशी का आदि बना दिया है और इनको सुस्त बना दिया है। हाँ, एक और दूसरा ये काम ये है कि ये जो इनका वक्त गुजरता है वो चोंच लड़ाने में गुजर जाता है और उसके नतीजे में इसका फ्लॉक साइज आपको दिन दूनी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और सिर्फ यही नहीं, ये पूरे शहर में हर तरफ आपको इसकी तरवीज नज़र आएगी, हर चौक पे। अच्छा, हर जगह बहुत से लोग ये समझेंगे जब आपने कहा कि इसका फ्लॉक साइज़ बढ़ेगा, इसकी आबादी बढ़ेगी, तो बहुत से लोग ये समझेंगे कि चलो अच्छी बात है, मतलब शहर कराची में जहाँ पे इमारतों का जंगल है वहाँ पे परिंदे नज़र आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये समझाइएगा कि जब फ्लॉक साइज़ बढ़ता है तो उसके साथ इसका जो एक्सक्रीटा है, जो फुजला है, वो भी बढ़ता है, वो किस कदर नुकसानदेह, ये भी बताएं। देखिए, एक तो फीड जो है वो आप सेलेक्टेड फीड दे रहे हैं, ये फीड जो स्टडीज़ आई हैं उसमें ये बताते हैं कि तेजाबियत वो करती हैं, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर है। और जो दो बीमारियां जो एक हिस्टोप्लाज्मोलिसिस का तस्करा हुआ है, जो ये दोनों फेफड़ों से मुताल्लिक हैं। फिर आप और भी दूसरी तरफ चले जाएं, जब हम यहाँ कोरोना के ज़माने में घूम रहे हैं, बर्ड फ्लू का हमने एक ज़माने में बड़ा ज़ोर सुना था, तो हमें इस मामले में थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। आप देख रहे होंगे कभी छोटे बच्चे भी चले जाते हैं, उस स्क्रीटा में फंगस उग रहा होता है और जब ह्यूमिडिटी कम होती है, मॉइस्चर कम होता है, तो उसके स्पोर्ट्स आसपास मौजूद होते हैं। अगर उसकी माइक्रोबियल स्टडी की जाए तो पता लग जाएगा कि हम कितने ख़तरनाक एक सेहत के टाइम बॉम्ब के साथ जो है खेल रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा रफीला साहब, कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसके साथ साथ, मैं देख रहा हूँ ये रोड साइड पे लोगों ने इसके साथ अब रोज़गार भी अपना वाबस्ता कर लिया है, जो दाने दुन के वाले हैं वो भी आके बैठ गए हैं। लोगों को किस तरीके से समझाएं, जैसे कि हम भी बैठे हुए, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले अफराद आके यहाँ पे अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी करने के लिए कबूतर को जो है वो दाने डाल देते हैं, तो लोगों को किस तरह एजुकेट किया जाए, क्या कहेंगे लोगों से? देखें, लोगों से ये समझाने की ज़रूरत है कि खल्के खुदा की खिदमत के बहुत सारे और तरीके भी हैं, बहुत सारे रिफाई इदारे हैं, बहुत सारी जगहों पर ज़रूरतें मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ क्योंकि हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने से मुतालिक बात कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, तो अब मामला जो है वो इज्तिमाईयत की तरफ है, क्या मेरी इस काम से किसी दूसरे मखलूक को तकलीफ तो नहीं हो रही, इसका एक ये पहलू भी है। तो आप उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि हम यहाँ 8 लोगों को की मौत को देखने के लिए 80 लोगों को बीमार कर रहे हैं, तो ये मामला जो है वो डिसबैलेंस की तरफ। यानी कि अगर मैं गुफ्तगू का पूरा अहाता करूँ, कंक्लूड करूँ, तो एक तो हम इनको नेचुरल फीड करने नहीं दे रहे, हम इनको सुस्त बना रहे हैं, इनकी जो फ्लॉक साइज़ है, जो इनकी आबादी है, वो बढ़ती जा रही है, जब वो बढ़ती है तो जाहिर सी बात है इनका फुजला भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जो बहुत ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होता है, और वो जगह जगह जब होता है तो उससे ना सिर्फ इंसानों को बीमारियाँ होती हैं। मैं चाहूँगा आखिर में मुझे ये भी बताएं कि उस एक्सक्रीटा से बिल्डिंग्स को कितना नुकसान पहुँचता है, उस एक्सक्रीटा से जो हमारे बागात है वो कैसे चलते हैं? देखिए, यहाँ कराची शहर ख़ास तौर पर, खसूसी तौर पर ये सीमेंट बेस्ड जो है ना यहाँ कंस्ट्रक्शन है, जब एक्सक्रीटा में तेज़ाबियत होती है तो यकीनन जो सीमेंट की जो ब्लॉक्स होते हैं उनको वो गलाने की सलाहियत रखता है। तो आप उसकी मिसाल ऐसे ले लें कि जैसे समुंदर के किनारे जो सी व्यू के सामने जो मकानात की अजीब सी शक्ल नज़र आती है, तो कहीं ना कहीं इसके असरात वहाँ पर भी जा सकते हैं, और यकीनन अभी शायद हमारे मुशाहदे में नहीं आए हैं, लेकिन चंद साल के बाद ये कंप्लेन आनी शुरू होगी, लोग जब इसको जब फेस करेंगे तो कहेंगे। तो अकलमंदी का तकाजा ये है कि उसको एक हद तक महदूद किया जाए, किसी चीज़ को तर्क करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन महदूद किया जाए, इसको इलाकों तक मखसूस कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, खुली फ़ज़ाएँ जहाँ पर, ताकि लोगों के रूहानी जज्बात भी मजरू ना हो, और इसको अब हर चौक पे, हर गली में इसको फैला देना बड़ा ख़तरनाक है। तो थैंक यू सो मच रफीला साहब, हमारे साथ आप आए बैठे, और हमने तो फीड नहीं किया क्योंकि हमें अब पता चल गया है कि इसकी जो अननेचुरल फीडिंग है वो कितनी ज़्यादा नुकसानदेह है। आपने अक्सर ज़ूज़ में लिखा देखा होगा, डोंट फीड दी एनिमल्स, वो सिर्फ ज़ू के एनिमल्स के लिए नहीं है,
वो इन डोमेस्टिकेटेड या फिर इन आज़ाद परिंदों के लिए भी यही है, आप इन्हें सुस्त ना बनाएं, आप इन्हें अननेचुरल फीड ना कराएं ताकि इनकी फ्लॉक साइज ना बढ़े और बाकी बीमारियों से भी आप बचें। अब ज़रा हम कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्हें पता था कि कबूतरों को इस तरह फीड करना कितना नुकसानदेह है। साइंटिस्ट बैठे थे हमारे, उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने जिस तरह मुझे आपको रिस्क चुनना और तलाश करना सिखाया है, इस तरह इनको भी ये जो ग्रेन्स पे मच्छर और मक्खियों पे पलते हैं। अब होता क्या है कि जब वो अपनी कुदरती गजा नहीं खाते और इनको यहाँ आराम से मिल गया, तो ना सिर्फ मच्छर मक्खी उनकी तादाद बढ़ गई, डेंगू बढ़ गया, बल्कि इनकी भी अननेचुरल पॉपुलेशन बढ़ गई। और मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये जो है ये मॉस्किटोज और फ्लाइज पर नहीं चलते, पिजन्स जो है वो बेसिकली ग्रेन है, ग्रेन है, और ये जो आपका लूसन आता है ना ये उसके ऊपर चल रहे होते हैं, ठीक है ना। अब लूसन तो यहाँ डालने से रहे, लूसन डालेंगे तो यहाँ पर अगले दिन सफाई नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, ये गंदगी फैली रहेगी। ये जो होता है ये शाम तक क्लीन हो जाता है, ये खा के उड़ते हैं, ये लोग झाड़ू नहीं लगाते, ये इसको खा के उड़ जाते हैं। और ये एक जगह के नहीं है, सिर्फ हैदरी के ये नहीं है, ये पूरी जगह से सर्कुलेट होकर यहाँ पर आते हैं। इस तरह जगह जगह पर पॉइंट्स बने हुए, वहाँ पर लोग अपने तादाद के हिसाब से लोग, अब चाहे इसको सदकात में ले लें, चाहे इसको ज़कात में ले लें, देखें इनके भी हमारे ऊपर फ़राइज़ हैं, बनिस्बत इसके कि हम सिर्फ इंसानों के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, इनके भी फ़राइज़ हैं। ये एक तो सबसे बड़ी बात, ये जो है ना पाक जानवर है, ये मदीना मुनव्वरा में और ये हरम के अंदर मौजूद है, ये जब वहाँ पर नापाकी नहीं फैला सकता तो यहाँ पर भी नापाकी नहीं फैला सकता, ये ईमान है मेरा। तो देखा आपने कि एक छोटा सा अमल कितना नुकसानदेह हो सकता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि जब हम इन्हें नेचुरली फीड नहीं करेंगे तो इनकी ना सिर्फ आबादी बढ़ेगी बल्कि वो बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत नुकसानदेह है और पोल्यूशन के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो शहर में बढ़ा देगी। हमें करना क्या है, हमें करना ये कि हमें समझना है इन चीज़ों को और इनको इस तरह फीड नहीं करना बल्कि इनको आदी बनाना है कि ये खुद फीड करें ताकि ना सिर्फ हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो शहर की बरकरार रहे बल्कि जो आलूदगी है उससे भी हम बचते रहें। हेलो, हेलो, ये है हमारे आज के बहुत स्पेशल मेहमान और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से ये मेरे हाथ पे आ जाएं, लेकिन ऑब्वियसली मुझे टेक्निक्स का तो नहीं पता, इसलिए अभी थोड़ी देर पहले ये मेरे हाथ पे थे और उसके बाद अब ये सोफे पे आके बैठ गए, लेकिन कितने सुकून से और कितने आराम से बैठे हुए हैं। ये है कोकेटो और इन जैसे कई दीगर खूबसूरत प्यारे प्यारे और क्यूट से पेट्स, उनसे तो मोहब्बत ना हो किसी को ये कैसे हो सकता है। अक्सर लोग पालते हैं, कुछ लोगों को परिंदे पालने का शौक़ होता है और अभी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। या थोड़ा सा तो इधर आ जाओ, इधर इधर इधर, और इसके साथ साथ इनको शौक़ भी लोगों को बहुत होता है पालने का। बट बात यह है कि लोग जानवर तो पाल लेते हैं लेकिन उसका उस तरीके से ख्याल नहीं रखते जैसे रखना चाहिए, जिससे वो घर की सजावट पर भी असरअंदाज होते हैं और दीगर बीमारियां और ये भी चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिन पर अमल किया जाए तो जानवर घर की सजावट भी ख़राब नहीं करते बल्कि यार ये तो घर सजाते हैं, उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। तो इन सब पे हम बात करेंगे, बल्कि इससे पहले कि मैं अपने जो आए हुए गेस्ट उनसे बात करूँ, क्यों ना मैं महक से बात करूँ। महक, आई विश आप यहाँ पर होती और कोकेटो के साथ एंजॉय कर रही होती, क्योंकि यार ये बहुत क्यूट है, बहुत ज़बरदस्त है और इसकी तो तकरीबन मुझसे दोस्ती हो गई। थोड़ी देर पहले ना ये मिट्टू और गुड्डू जैसे अल्फाज भी बोल रहा था, पता है आपको? ये जो आपने गुड्डू का जिक्र कर दिया ना, तो ये हमारी पीछे बैठी हुई टीम ने फौरन इशारा समझ नहीं नहीं ये कह रहा था मैं क्या करूं फैसल ने कहा है अभी। फैसल, मुझे ना बहुत डर लगता है जानवरों से। मैंने एक अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही पेट रखा और वो बिल्ली, जिसका नाम मैंने रखा साइक्लिक, पर्शियन कैट थी। और उसकी डेथ के बाद ना हिम्मत नहीं हुई कि मैं किसी और जानवर को पाल सकूँ। आप जैसे बात करें इनका ख्याल रखना ना,
इनसे आपको लगाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, और लगाव होने के साथ साथ फिर ये आपके घर का एक हिस्सा बन जाते हैं, और फिर आप उनका ख्याल वाकई अपने घर के फर्द की तरह रखते हैं। लेकिन कुछ लोग शौक में रख लेते हैं जानवर, लेकिन ख्याल नहीं रख पाते। आपकी इससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई है, मुझे लग रहा है कि आप जो हैं वो पाल लेंगे कोई ना कोई एक जानवर। सुकून ये देखें आप, और इसने ये डांस भी करना शुरू कर दिया। इफ़ आई रिमेंबर माई लेट फादर, उनके पास तकरीबन 5,000 to 6,000 बर्ड्स थी, और सिर्फ बर्ड्स नहीं हमारे पास बहुत सारे दीगर मेहमान भी हैं। तो सबसे पहले जो हमारे ये जो पेट मेहमान हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। इनका नाम है एक्टिल, नाम है इनका एक्टिल, नाम है एक्टिल, और उनका नाम है सीमी। सीमी नाम है एक्टिल, सीमी। इनका नाम है बंटी। बंटी जी। और भाई आपका नाम क्या है? इनका नाम हमने रख दिया आज से गुड्डू, ये मैंने रख दिया, ठीक है, इनका मैंने नाम रख दिया है। तो हमारे साथ अब जो है हमारे दीगर गेस्ट भी मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कितनी अच्छी बात है कि ये पेट्स जो हैं आप लोग लेके भी आए हैं। मुझे तो सबसे पहले भाई ये बताएं कि कब से पाल रहे हैं, शौक कैसे हुआ, और उसके साथ मुझे ये भी बताएं कि इसको मैनेज जो करना है ना, वो कितना ज़्यादा मुश्किल है या आसान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आतिफ इम्तियाज, आई एम फ्रॉम वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस सेंटर। ये एक एनजीओ है यहाँ पे शहर कराची के अंदर, जो लोगों को इसकी अवेयरनेस और एजुकेशन वगैरह देती है। तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो लोग एसोसिएटेड है हमारे साथ, जो कि ये एनिमल्स वगैरह को हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं, और इस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी करते हैं। और हमारा सोल मकसद जो इस वक्त है वो यही है लोगों को बताना कि आपको जैसे कोई तोता पालना है तो उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, और वो तोता आपसे कंपेटेबल है भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जैसे इंसान हैं उन हर एक की पर्सनैलिटी अलग होती है, तो वैसे ही तोते हैं उनकी कुछ नॉइसी होते हैं, कुछ थोड़े यानी नॉर्मल होते हैं। पैराकीट्स हो गए, जैसे काकाटू है, तो ये बहुत नॉइसी है, काकाटू नॉइसी है। तो आपके अगर फ्लैट है, छोटा घर है, तो वहाँ पर ये नहीं आप रख सकते, क्योंकि वो शोर इतना मचाएगा कि 10 घर तक आवाज़ जाएगी इसकी। तो ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, लोगों को बताते हैं सारी चीज़ें, और हमारे पास दुनिया की यानी एग्जॉटिक वैरायटी मौजूद है, जो कि आप के जैसे प्रैक्टिकली हम दिखाते हैं कि आप आएँ देखें इसको, एक्सपीरियंस करें अपने साथ में। और हमारे पास सारे एनिमल जो हैं वो पेट हैं, यानी एनिमल्स के आप उनको प्यार कर सकते हैं, अपने हाथों में ले सकते हैं, हाँ, जैसे और उनको ये सब कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी वो नहीं करते। अच्छा महक, मैं चाहूँगा कि देखें आप अपना जो फियर है ना वो हटा दें, और ये बिल्कुल आप देख रही हैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा है ये बेचारा, खुद ही आगे पीछे अपने, हाँ ये करते रहते हैं ये। तो अब बताएं, अब मजीद आपने डरना है या फिर आप जो है ना खुद ही खुद ही अपना ख्याल रख लेते हैं। हाँ, नहीं नहीं फैसल, वाकई मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बिल्लियों से इतना डर नहीं लगता, लेकिन इन चीज़ों से डर लगता है। अच्छा मेरा सवाल ये है अब्दुल से कि जैसे कि जिक्र हुआ ना कि आप पालते हुए कोई भी आप एक पेट रख रहे हैं, मुझे ये बताएं कि क्या अब हम ऐसा देखें हमारी सोसाइटी में कि कोई SOPs या कोई पॉलिसी आ जाए कि जो भी कोई एक पेट ख़रीद रहा है या ये चाह रहा है कि हमने घर में रखना है, तो आप उसका एक छोटा सा एक इम्तिहान ले लें कि जी आप क्या पेट रखने के काबिल हैं या नहीं। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग शौक में तो ले जाते हैं कि जी घर में बच्चों को शौक है, लेकिन फिर वो भूखे प्यासे रहते हैं। जी बिल्कुल, देखें मैं हर यानी ये है कि जो पेट आप कोई भी रखें ना, तो इट्स अ कमिटमेंट, ये कोई टॉय नहीं है कि यू हैव टू ओनली बाय और पुट इट इन योर होम, ठीक है, ये एक फुल टाइम कमिटमेंट है। खाना नहीं खाना है लेकिन इनको खाना खिलाना है, आपको खुद अपनी ग्रूमिंग नहीं करनी है लेकिन इनकी ग्रूमिंग करनी है। और ये चीज़ें जो हैं अब तो बहुत ज़्यादा यानी जैसे ऐसे यानी अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों की, तो बहुत सारे लोग कीप कर रहे हैं। और अब तो हमारे पास सबसे ज़बरदस्त चीज़ गूगल है कि हम कोई भी चीज़ अगर एज अ पैट रखना चाहते हैं तो हम उसको गूगल करके सारी इन्फॉर्मेशन उसकी हम ले सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा अब मेरे साथ क्योंकि दीगर मेहमान भी मौजूद हैं, उसामा भी मौजूद हैं, और ये तकरीबन माइक तक आ गया, यकीनन यू नो थोड़ी देर में कोई ना कोई एक्टिविटी जारी, हाथ कोई ना कोई एक्टिविटी जारी होगी। और जैसे कहते हैं ना कि यू नीड टॉकिंग हेड्स इन द एंकरिंग इंडस्ट्री, व्हाट बेटर टॉकिंग हेड देन दिस थिंग। अच्छा मुझे उसामा ये बताएं, कैट्स की तो हमने बात की, ये जो टॉय ब्रीड डॉग्स हैं ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी मुझे इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि पाकिस्तान में यू नो ये बड़े एग्जॉटिक समझे जाते हैं। जी जी बिल्कुल, जो अभी यहाँ पे आज जो मैं लाया हूँ वो ये शिजू है, ठीक है, शिजू बंटी, हाँ बंटी नाम है इनका, और ये बहुत ही नॉटी हैं, और यानी बहुत ही ज़्यादा टॉय ब्रीड होती है ये, टीकअप है, शिजू इज़ द ब्रीड नेम, शिजू इज़ द ब्रीड नेम, ओके। और ये जो है यानी
ये जो स्मॉल टॉय ब्रीड्स है ना, ये बेसिकली घरों में रखने के लिए इन हाउस डॉग्स हैं ये. तो इनकी क्वालिटीज़ ये होती है कि जो हमें घरों में नहीं चाहिए, जैसे बार्किंग, जीरो बार्किंग डॉग्स हैं ये. शोर शराबा नहीं करते और नॉटी नहीं होते ज़्यादा. नॉटी होते हैं लेकिन अनोइंग नहीं होते जैसे बड़े डॉग्स हैं. और सेकेंड ये कि ये फिर खाना भी थोड़ा सा खाते, स्पेस भी थोड़ी सी लेते हैं, लिटरिंग तो लिटरिंग भी बहुत स्मॉल होती है. और मोस्टली हम इनको अच्छे फूड पे यानी रेस कर सकते हैं. काकाटू और मोस्टली जितने सेलिब्रिटीज हैं सबके पास यही है. शाहरुख खान के पास भी यही है फॉर्म. और ये बहुत ही ज्यादा लविंग नेचर के होते हैं और बहुत ही यानी छोटे से होते हैं, इजी टू कीप है. अच्छा अब मैं आपसे पूछूंगा कि फर्स्ट करें अगर आज मैं डिसाइड करता हूँ. वैसे एक दो बार मैंने खुद पर्सनली कोशिश की है लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना, मेरे वालिद करते थे, बाप बाप होता है भाई, उनसे तो नहीं हुआ, हमसे ना हो पाएगा तो उनसे नहीं हो पाया. तो क्या फर्स्ट करें आज मैं सोचता हूँ कि मैं पॉम या फिर शिजू इसको मैं कर रहा हूँ जनाब अली आज से, या फिर पर्शियन या फिर काकाटू, तो क्या खर्चा रखूँ पर मंथ अपने जहन में मैं? अच्छा देखें, अब मसला जो है ना, हम यानी ऐसा जैसे पाकिस्तान दो चीज़ें होती हैं, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट. बिल्कुल ठीक है ना. अब हम एज अ पाकिस्तानी जो है ना हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट हम पे नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट हमसे तुम डबल ले लो. हाँ, ये हम लोगों की नेचर साइकी है. मिसाल के तौर पर जैसे डॉग्स हैं तो हम उसको अच्छा फूड नहीं खिलाएंगे लेकिन उसकी मेडिकेशन पर हम 2000 रुपये खर्च कर देंगे. तो ये होता है. तो हम तो जब एग्जॉटिक एनिमल आप रखते हैं, एक्सपेंसिव एनिमल रखते हैं, तो हम तो प्रिवेंटिव चलते हैं. हम इनको हेल्दी फूड देते हैं, हेल्दी इनकी केयरिंग करते हैं, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी नहीं आती. मोस्टली जैसे अगर मैं कैट की बात करूं आपको, तो अगर हम उनको जैसे नॉर्मल फूड दे रहे हैं तो फिर उसमें हमें उसके बैकलैश आते हैं कि उनके बाल गिर रहे होते हैं, उनकी यानी अपीरियंस इतनी अच्छी नहीं होती. और अगर हम उनको हेल्दी फूड दे रहे हैं, बॉयल चिकन राइस दे रहे हैं और मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स आते हैं वो दे रहे हैं, तो ये सब नहीं होते इनके. अच्छा, और इनकी वैक्सीनेशन वगैरह पे क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग इस झंझट में भी नहीं पालते कि देखें, देखने में तो बहुत अच्छा है, जी जी, बहुत खूबसूरत लग रहा है और बड़ा अच्छा है, लेकिन अब वैक्सीनेशन कराने भागे हैं तो ये सारी चीज़ें. वैक्सीनेशन यानी जैसे बच्चे होते हैं तो एक दो दफ़ा लगती है, दो तीन महीने में, लेकिन उसके बाद तो ईयरली लगती है, तो वो भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है. अब तो हर जगह ही यानी वेटरनरी खुल गए हॉस्पिटल, तो वहाँ भी ईजिली हो जाती है और घर पे भी आके लगा देते हैं मुख्तलिफ जो वेट हैं, तो ये ईजी है. मेरा भी और महक का भी तकरीबन यही सवाल होगा कि सारी तो खसूसियात हो गई, अभी कॉस्ट क्या है इसकी, छोड़ें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, सीधी सीधी इसकी इनकी कॉस्ट क्या है? जी, पॉम जो है वो एक्सपेंसिव तरीन ब्रीड्स है. वो अच्छा पॉम जो है वो 2.5 लाख से ही शुरू होता है और उसके बाद जैसी पेडिग्री है उनकी पेरेंट्स हैं उस तरह ज़्यादातर. शिजू जो है यानी टीकअप शिजू और पंच फेसिस में भी असल में क्वालिटीज़ होती हैं अलग अलग, तो वो आपको 80,000 तक मिल जाता है. okay. और नॉर्मल जो है नॉन पेडिग्री 45,000 तक मिल जाता है. और इनकी जो मंथली कॉस्ट है वो भी अराउंड 2,000-3,000 के अंदर हम मैनेज कर लें. और ये एक्चुअली काकाटू एक्चुअली अभी जो है ना, ये सारे बर्ड्स वगैरह की बहुत ज़्यादा प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं. ठीक है, पहले किसी टाइम पे ये 1,00,000 रुपये तक का मिल जाता था, इस वक्त तो बेबी 2.5 लाख से शुरू हो रहा है इसका. ठीक है, और इनकी कॉस्ट या केयरिंग कॉस्ट कम होती है इनकी ना, क्योंकि आर दे गुड ब्रीडर्स. हाँ, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीड बिकॉज इनकी जो देखें कॉस्ट जो है ना, किसी भी एनिमल की कॉस्ट जो है ना वो उसकी ब्रीडिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करती है. अगर ये ऑस्ट्रेलियन की तरह ब्रीड करने लगे तो ये 100 रुपीज़ से मिल रहे हो. क्या ही हो फिर ये. एंड व्हाट अबाउट द पर्शियन? पर्शियन तो इजीली ब्रीडर है. और कॉस्ट? कॉस्ट अच्छी यानी पेडिग्री पर्शियन तो 1,00,000 से ऊपर ही होती है, लेकिन नॉर्मली जैसे राउंड फेस पर्शियन है वो 15-20,000 अच्छी मिल जाती है. अच्छी मिल जाती है. अच्छा महक, मेरा एक सवाल है. हाँ, आप करें ना. हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ इनसे कि जैसे स्ट्रीट कैट्स होती हैं या स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्ट्रीट कैट्स के जो बच्चे होते हैं ना उनको घरों में ले आते हैं कि ठीक है चलो हम, ये एक स्ट्रीट कैट थी, इसके 4-5 बच्चे और इसको, एक बच्चे को हम घर में उठा के ले आए. अच्छा, उनके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? पहली तो बात ये, क्योंकि जब मैंने कैट रखी थी वो 19 डेज की थी, एक तो ये कि मुझे ज़रा एज बता दें ताकि जो बच्चे बिल्लियाँ या कुत्ते या कोई भी चीज़, कोई भी जानवर रखना चाह रहे हैं, अगर ख़रीदते हैं तो उसकी एज क्या हो, ताकि आप उसे अच्छे तरीके से सिखा सकें, चीज़ों का बता सकें, क्योंकि आप ग्रोइंग एज से ही जो चाहे बच्चा या जानवर है आप जब उसको सिखाते हैं ना उसको समझ में आ जाता है. दूसरा ये कि स्ट्रीट कैट के किसी भी बच्चे को घर में ले आना
क्या ये सेफ होता है घर के लोगों के लिए? हाँ बिल्कुल, देखें कैट्स में तो ना जो एज है, चाहे डॉग्स बेबी हों या कैट हो, वो 3 मंथ के ही हमें लेने चाहिए। 3 मंथ में ये है कि वो ऑलमोस्ट सेल्फ फीड पे आ जाते हैं और वो इजी टू एकोमोडेट हो जाते हैं। अगर हम 3 मंथ से छोटे बेबीज़ लेते हैं ना, तो एक तो हमें उनकी केयर बहुत करनी पड़ती है, और डॉग्स में जो एक डिजीज़ होती है जो बेबीज़ में पाई जाती है, पार्वो, तो वो बहुत ज़्यादा यानी फैटल डिजीज़ है और बहुत ही केयर करनी पड़ती है उसको करने के लिए। अच्छा अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ना बहुत सारे लोग जो हैं वो जैसे घर में ना ख़ास तौर पे जो खातीन होती है घर की, वो कहती हैं नहीं ये नहीं लेकर आना, कुबार रखो, उसकी सांस की बीमारी और फना टीम का। मैं चाहूँगा कि अगर तो ये बात ठीक है तो भी एजुकेट कर दें, अगर ये मिसकॉन्सेप्शन है तो भी लोगों को एजुकेट करें ज़रा। जी जी नहीं, मिसकॉन्सेप्शन तो नहीं है, क्योंकि जो बिल्ली के ख़ास तौर पर जो हेयर होते हैं ना, वो तो एस्थेमा और डिफरेंट यानी रेस्पिरेटरी डिजीज़ को करते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि ये क्यूरेबल है, हम उसको जो है जैसे बिल्ली को हम अच्छे फूड खिलाएं और उसकी डेली ग्रूमिंग करें, तो ऑलमोस्ट जो उसके डेड हेयर हैं ये एक नेचुरल फिनोमेना है डेड हेयर निकलने का। अगर आप ब्रूशिंग से वो हेयर नहीं निकालेंगे तो वो घर में हर जगह निकलते रहेंगे। सेकेंड, इसकी वैक्सीन भी आती है डिफरेंट यानी ट्रीटमेंट है इनके, तो वो हेयर जो अगर एक्सेस हेयर फॉल हो रहे हैं तो वो भी क्योरेबल है। अच्छा, और ये बिल्कुल महक ऐसे है जैसे आप घरों में बच्चों का ख्याल नहीं रखते, उनके पीछे पीछे भागते हैं, यू नो उनको सर्दी गर्मी धूप से बचाते हैं, उनकी डाइट का ख्याल रखते हैं और साथ साथ उनके साथ खेलते भी हैं, ये भी उसी तरीके से हैं। अच्छा बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊँ, वैसे तो अल्लाह मियाँ ने ना इनको ऑल क्लाइमेट के लिए बनाया है। अब ये जो आपके पास पैरेट आपने हाथ में लिया हुआ है, आप देखें आपके सूट पे वाइट वाइट पाउडर पाउडर आ रहा है जी, तो ये वाइट पाउडर क्यों आ रहा है? क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो अल्लाह मियाँ ने इनका जो नेकेड स्किन है वहाँ पे ये एज अ इंसुलेटर प्रोड्यूस किया है। ये वाइट पाउडर इनको डायरेक्ट सन, इधर तो फैदर है जी, लेकिन पाँव पे चोंच पे इनको जब सर्दी लगेगी तो इनको ये वाइट पाउडर यानी जेनेटिकली इनमें आ जाता है, अल्लाह मियाँ ने ये सर्दियों में ही आता है। अब हम उनको हाथ लगा रहे हैं तो ये आपके नज़र आ रहे हैं वाइट वाइट पाउडर। अच्छा, ये एशियन ब्रीड तो है? ये नहीं, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन। अच्छा, जैसे हम जूज में देखते हैं ना, अब मैं चाहूँगा कि देखें जूज में भी बहुत सारे, ख़ास तौर पर ये पैरट्स के वाले से मेरा क्वेश्चन है, जब भी हम जूज जाते हैं मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि थोड़ी बहुत शायद मैं जानता हूँ कि वो किस हाल में हैं, या वो मकाओ हों, इतने खूबसूरत, इतने महंगे होते हैं। क्या ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी, क्या हमारे जूज में जो एग्जॉटिक बर्ड्स होती हैं उनके साथ जो रवैया है, क्या वो ठीक होता है? जी देखें बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे एग्जॉटिक जो भी ब्रीड है ना, या जो भी नॉन नेटिव ब्रीड है, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में, तो अल्लाह मियाँ ने इसको ऑस्ट्रेलिया में पैदा किया है ना, तो इसका डाइट जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया ही है। जैसे मकाओ है हमारे, तो वो मैक्सिको में है तो वो रेड किले खाते हैं। अब हम उस मैक्सिको के तोते को पाकिस्तान में ले आते हैं, तो अगर हम उसके डिफरेंट सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं विटामिन जो उसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, डेफिनेटली जो पाकिस्तानी तोता है वो तो चने की दाल पे पल जाता है, क्योंकि वो नेटिव है, उसको अल्लाह मियाँ ने उसकी डाइट ये रखी है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन तोते को हम चने की दाल पे पालेंगे तो इसको तो वो न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगी जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जो इसकी ये अपीरियंस जो आ रही है। और जैसे इंसान है, हेल्दी इंसान है, तो वो शक्ल से ही नज़र आता है कि वो हेल्दी है, और अगर बीमार है तो वो शक्ल से ही नज़र आता है। तो सेम इज़ दैट, एनिमल में भी ऐसे ही होता है कि वो जो एनिमल अगर न्यूट्रिशन उसको नहीं मिलेगी तो वो डल होता जाएगा, उसकी ये खूबसूरती नहीं आएगी, एक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है। तो ये सब ये। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि फैसल, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम अक्सर करते हैं कि घर में जो जानवर होते हैं ना, उनको हम घर की चीज़ें खिलाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अगर हम कुछ खारे स्नैक्स वगैरह तो वो भी हम खिला देते हैं साथ में। जैसे कि मैं ये करती थी कि मैं अपनी कैट को बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मैं खाती थी तो वो मैं साथ में खिला देती थी, यानी खाने पीने की मैं बात करूँ, जैसे सालन हो गया या कुछ भी ऐसी चीज़ ना, थोड़ा सा वो खिला दिया, तो क्या ये हेल्दी होता है? जी जी, मैं ये बहुत आपने इम्पॉर्टेंट बात की है और ये मैं मिस कर रहा था और बताना चाह रहा था। और ये कि देखें, मसला एक्चुअली ये होता है कि हर यानी जैसे हम हैं ना, तो अल्लाह मियाँ ने हमारी डाइट बनाई है, उसमें जो है डिफरेंट जो है वो खाना पीना ये सब चीज़ें। अब ये बर्ड्स को इसकी मदर ने कभी भी इसको जो है ना वो पराठा बना के नहीं खिलाया होगा ना, अल्लाह मियाँ ने इसको यहाँ पैदा किया पराठा खाने के लिए, ये तो हाई न्यूट्रिशन चीज़ें खाते हैं। और जब भी हम यानी नेचर से प्ले करेंगे तो उसके एडवर्स ही इफ़ेक्ट आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये पराठा खाएगा, ये टॉफ़ी खाएगा, और अगर इसने खुदा ना खास्ता गोश्त खा लिया,
देखिए खाएगा तो ये सब चीज़ ना, मुझे आप जहर भी दे देंगी ना बगैर बताए, मैं वो भी खा लूँगा। तो ये इसकी गलती नहीं है, ये उस इंसान की गलती है जिसने पाला हुआ है। और अगर इसने गोश्त खा लिया तो इसके सारे फैदर हट जाएंगे। अगर इसने तेल मिर्चें ठीक है और टॉफ़ी खा ली तो इसके सारी डलनेस आ जाएगी और थोड़े थोड़े फैदर प्लकिंग शुरू हो जाएगी। और फिर ये जब इस डिजीज़ में ये आ जाते हैं तो इनको 4 ईयर 5 ईयर्स चाहिए होते हैं रिकवर करने के लिए, क्योंकि वो इंटरनली फुल डैमेज हो जाते हैं और उसके बाद बहुत लंबी थेरेपी है इनकी। अच्छा इम्तियाज साहब, मैं चाह रही हूँ जरा क्विकली आप हमें ये भी बता दें कि सबसे सस्ता पेट कौन सा है कि जो हम इजीली अफोर्ड कर सकें और इजीली हम उसको कैरी कर सकें। जी मैं देखें यहाँ पे ये भी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ और हम इस चीज़ की भी लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि आपको एनिमल का शौक़ है अगर ठीक है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मिलियंस ऑफ रुपीज़ चाहिए तभी आप वो जाके शौक़ पूरा करेंगे। ठीक है, हर एनिमल जो है ना वो प्यार की ज़बान समझता है। एक स्ट्रीट डॉग स्ट्रीट कैट को भी आप प्यार करेंगी ना तो वो आपको उसी तरह रिप्लाई करेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर 2 लाख रुपए जमा करें और ये काकाटू से अपने शौक़ पूरे करें। ठीक है, ये और महक जैसे आपने पूछा था ना कि जी वो कौन सा ईजी टू कैरी और वो है, तो वो अब आपको जो है वो इम्तियाज़ भाई बताएंगे। ये देखें जी, ये है एक कॉकटेल। हाँ, ये कॉकटेल है और ये भी ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है। ठीक है, जहाँ काकाटू पाया जाता है वहीं ये भी पाया जाता है और ये समझे कि उसके फीचर्स जो है वो मिनिमम इसमें। अब मोस्टली जो ये है कि ये हम ज़्यादातर इसको रखते हैं ब्रीडिंग में। हाँ, उसके मिनीचर है और इसका जो मज़ा है ना वो आप यकीन माने कि काकाटू से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ना ये काकाटू की तरह शोर मचाता है ना जब ये काकाटू की तरह काटेगा तो आपको तकलीफ होगी। और ईजी टू पैट है, इसको यूं करें जैसे भी इसको करें। और सबसे बड़ी बात, जब हम कोई भी पेट रखते हैं ना तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है बच्चों का कि बच्चे बिल्ली पंजा ना मार दे, कुत्ते के मुंह में ना दे दे। ये मिल कितने का जाएगा? कॉस्ट इसकी अगर वो 2.5 लाख का है तो ये 2,500 रुपये का है। अच्छा, ठीक है, 5-6 साल पहले 1,000 रुपये। हाँ, ये अब तो हर चीज़ ही ऑलमोस्ट डबल हो गई है। और इसमें भी डिफरेंट कलर्स आते हैं ना, बिल्कुल, कि कलर के हिसाब से इनके प्राइजेस होते हैं। तो ये जो है ग्रे कॉकटेल है, ये कॉमनली सबसे चीप होता है अमंग ऑल कॉकटेल। और ये ब्रीडर भी बहुत अच्छा है, ब्रीडर भी बहुत अच्छा है ये, और यानी टॉकिंग और विस्लिंग भी बहुत ज़बरदस्त करता है और खुश भी बहुत होता है और प्यार व्यार भी बहुत अच्छा करता है। मैं जैसे इम्तियाज़ भाई जिस तरीके से आपको बता रहे हैं ना कि ये ब्रीडर अच्छा है कितना, ये बिल्कुल अपने आप को किस तरह, मुझे लगता है काटता भी होगा। नहीं इतना नहीं काटता है ये अच्छा, इसका ये है ये काटता भी कम है और ये गुड्डू या काकाटू भी कम बोलता है। अच्छा, और ये मोस्टली सारी बातें सिटी में करता है। मिट्टू भी बोलेगा तो भी सिटी की टून में ही बोलेगा, ये यानी ह्यूमन की तरह नहीं बोलेगा। आपको समझना पड़ेगा। मैंने पाला है तो मुझे पता चलेगा ये क्या बोल रहा है, लेकिन और लोग समझेंगे कि सिटी मार रहा है। दिस इज जस्ट लाइक अ मदर के जो बच्चा जो टॉडलर है ना वो जो ऊटू टाबा टाबा करता है उसकी माँ ही समझ सकती है। तो बिल्कुल उसी तरह से ही है। आखिर में मैं आप सबका थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और ये अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जैसे हम हैं बाहर तुर्की और दीगर ममालिक में कि इवन स्ट्रे डॉग या स्ट्रे कैट्स को लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, इसीलिए वहाँ सगजीदगी के इतने वाकयात नहीं पेश आते। हमारे यहाँ क्यों इस तरह के वाकयात पेश आते हैं ये जानवरों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, इंसानों को अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। जब आप एक आम चलते फिरते कुत्ते को उठा के अपनी मर्ज़ी से पत्थर मार देंगे तो आगे से 1-2 बार वो भागेगा, तीसरी बार आप पे अटैक ही करेगा। प्यार और मोहब्बत करें, समझें अपने आप को इंसान और इन्हें भी मखलूक समझें, इनसे भी वैसे ही प्यार करें। अभी एक ब्रेक ले लें भाई, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक लेते हैं, तब तक के लिए पॉम की तरफ, क्या नाम था इनका, बंटी एटल की तरफ से अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक। ऑटो सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए अच्छी खबर, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल्स ट्रैक्टर्स बसेस और ट्रक्स की मुकामी पैदावार में इजाफे और सार्फीन की हिफाजत के लिए वफाकी काबीना ने नई 5 साला ऑटो डेवलपमेंट पॉलिसी मंजूर कर ली है। बरामदात की हौसला अफजाई, नई टेक्नोलॉजी के हुसूल को भी हदफ मुकर्रर किया गया है। समा को हासिल पॉलिसी दस्तावेज़ के मुताबिक
कार्स की लोकलाइजेशन से गाड़ियों की कीमतों में कमी के अलावा सालाना 1.5 अरब डॉलर्स ज़र मुबादला की बचत होगी। इसके लिए 2026 तक मोटरसाइकिल्स की असम्बलिंग में मुकामी पुर्जाजात का इस्तेमाल 95% से बढ़ाकर 100%, जबकि गाड़ियों में 55% से बढ़ाकर 75% तक लाया जाएगा। लेकिन एक परेशान कन खबर भी है। हुकूमत ने ऑटो इंडस्ट्री को मराद देने और कम आमदन अफराद को सहूलत फराहम करने के लिए गाड़ियों के सेल्स टैक्स में कमी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने का जो ऐलान किया था, 6 माह बाद ही अब वफाक हुकूमत ने यह टैक्स रिलीफ ख़त्म करने का फैसला कर लिया है और गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में 5% तक दी गई छूट वापस लेने की तजवीज़ सामने आई है। बजट के दौरान गाड़ियों का सेल्स टैक्स 17% से कम करके 12% कर दिया गया था, जबकि फेडरल एक्साइज ड्यूटी से इस्तस्ना करार दिया गया था। तर्जुमान वजारत ख़जाना मुजम्मिल असलम ने इस खबर की तस्दीक भी की, मगर उनका यह भी कहना है कि गाड़ियों से मुतालिक पॉलिसी का ताल्लुक बराह रास्त मिनी बजट से नहीं है। तो इस सब पे हम बात करेंगे। ऑल पाकिस्तान मोटर्स डीलर एसोसिएशन के सदर HM शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से? और इसके अलावा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे आसिम अयाज साहब, जो कि इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले शहजाद भी आपसे मैं ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। 5 साल जो ऑटो डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी की मंजूरी दी है, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो देखें, ये एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो पुराना हमारा जो तजर्बा है 40 साल, तो वो सारे काम जो इन्हें आज से 30-35 साल पहले कर लेने चाहिए थे। अब मिसाल के तौर पे सुजुकी जो है वो 1981-82 में वजूद में आ गई। जो डिलीशन प्रोग्राम था वो 5 साल बाद उसको कंप्लीट करना था और ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में लानी चाहिए थी। लेकिन आज हमारी बदनसीबी है कि आज हम 40 साल बाद भी हम असेंबलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं हैं। इसी तरह टोयोटा होंडा, इनको भी 30-32 साल हो गए, आज तक हम असेंबलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं हैं। सबसे बड़ा जो फुकदान है वो ये है कि जो इदारे इनको चेक एंड बैलेंस करते हैं, या तो वो इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने में नाकाम रहे और वो चीज़ें जो मुल्क के मुफाद में थी वो हम नहीं कर सके। आज तक हम असेंबलर्स हैं और आज तक हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं गए, तो आज हम पाकिस्तान में तो कोई गाड़ी नहीं है मेड इन पाकिस्तान। हम दुनिया का महंगा तरीन जो है CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करके यहाँ जोड़कर हम आवाम को गाड़ियाँ बेच रहे हैं। तो जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं जाएंगे, हमारा जो वेंडर है वो इस तरफ नहीं जाएगा, हमारा जो लोकल असेंबलर है वो इस तरफ नहीं जाएगा, ना हमारे मुल्क की ज़रूरत पूरी होगी, ना हम मेड इन पाकिस्तान गाड़ी दे सकेंगे, ना कुव्वते ख़रीद में हम गाड़ी दे सकेंगे। और जो एक ब्लैक मार्केटिंग की जो नालत हमारे मुल्क में आई हुई है, कोई गाड़ी बगैर ऑन तो खैर लफ्ज़ अच्छा है, बगैर ब्लैक मार्केटिंग के गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। फिर हमें पॉलिसियों में बहुत सारी जो है वो नई जिद्दत लाने की ज़रूरत है। जो गाड़ियाँ लोकल असेंबलर अपने ऑथराइज डीलर को देता है, IT में देता है या कोटा मखसूस है, वो ख़त्म करना होगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें आवाम को पास ऑन करनी पड़ेगी, बुकिंग आवाम के लिए नहीं है। लेकिन वो जो लोकल असेंबलर का जो वेंडर अपना ऑथराइज डीलर है, जो उसका फाइनेंसर है, उसको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। आप लेने जाएंगे मिल जाएंगे, मैं लेने जाऊँगा बुकिंग नहीं है नहीं। और इस वक्त दुनिया की महंगी तरीन हम गाड़ियाँ अपनी आवाम को दे रहे हैं असम्बल्ड शुदा। मैं हमेशा एक बात करता आया हूँ, मैं लोकल असम्बलरों का कोई दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर क्यों नहीं कुव्वत ख़रीद में गाड़ी? आज गाड़ी नेसेसरी है, लग्जरी नहीं है। जी बिल्कुल। तो हर जिसके 2-3 बच्चे हैं या बीबी हैं, वो मोटरसाइकिल पे क्यों जाए? उसका भी दिल चाहता है कि मैं गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो और एक मेरे कुव्वते खरीदने हो। मैं मिसाल देता हूँ, 2-3 बच्चे और बीवी के साथ तो खतरा है मोटरसाइकिल। बिल्कुल। देखें मैं फैसल हमेशा मिसाल देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं हमारा जो हमसाया मुल्क है, मैं इंडिया की बार बार बात करूँ, लेकिन वहाँ मजबूरी में ये कह रहा हूँ, मारुति भारत 1.25 लाख की है वहाँ पर। अगर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो वो पाकिस्तानी 7.5 लाख रुपए बनते हैं। आज हम अल्टो जो है वो हम देते हैं 17 लाख रुपए की, और उस पर भी आज 2.5 लाख रुपए ऑन यानी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। तो भाई हम कहाँ हैं, ये इदारे कहाँ हैं? अच्छा, यही सवाल मैं आपसे कहना चाहता कि ऑन मनी, लेट डिलीवरी, गाड़ियों की कीमतों से मुतालिक जो सार्फिन की शिकायत है, उसके अजाले के लिए खसूसी मॉनिटरिंग कमेटी का इदारे के वो कायम होगी, तो क्या आपको लगता है इससे मसले हल हो जाएंगे? देखें ये फैसला भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जब तक
आप न्यूट्रल लोग, मेंबर नेशनल असेंबली हों, सेनेट के लोग हों और इस चीज़ को हों, क्योंकि देखें ना, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड तो पहले भी मौजूद है, लोकल असेंबलर पहले भी मौजूद है, और मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी प्रोडक्शन है वो पहले से मौजूद है, तो ये कैसे कौन तयन करेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि सेनेट की कायमा कमेटी के बहुत सारे लोग जो इन चीज़ों को समझते हैं वो होने चाहिए, न्यूट्रल लोग। देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सबसे पहले पाकिस्तान और उसके बाद तमाम चीज़ें। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मैं आवाम को क्या दे रहा हूँ भाई? ये लूट मार कब तक करता रहूँगा? और ये जो इदारे हमारे हैं ये क्या कर रहे हैं? आज देखें, हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी हमें डॉलर बचाना है, डॉलर लाना है। तो आपका जो एक्सपोर्ट होता है और उससे जो डॉलर आता है, वो डॉलर तो ये सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट करने में जा रहा है, लग जाता। एक तरफ जो यूज गाड़ियां बाहर से आती हैं, आपने उनसे कहा कि ये गाड़ी लेकर आएगा तो डॉलर भी लेकर आएगा। तो आज आपको इस्तेमाल शुदा गाड़ियां जो है, गाड़ियां भी आ रही है और डॉलर भी आ रहा है। तो मेरा कहना यह है कि ये जो लोकल असेंबलर, चाहे वो इंपोर्टर है चाहे लोकल असेंबलर, इनसे कहा जाए कि जी डॉलर ये खुद बंदोबस्त करें, ये डॉलर खुद लेकर आए। क्यों पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर इसका बोझ जम डालें कि डॉलर जो है इस वक्त हमारे मुल्क की ज़रूरत है, डॉलर को बचाना। जैसे हमारे पर पिछले 3 साल से डॉलर ड्यूटी की हुई और डॉलर ड्यूटी भी बाहर से आए, जो गाड़ी भेज रहे हैं वो डॉलर ड्यूटी भी भेजे। इसी तरह ये लोकल असेंबलर्स को भी पाबंद किया जाए कि अपने डॉलर का इंतज़ाम खुद करें, चाहे वो इम्पोर्टर हो चाहे वो लोकल असेंबलर्स हो। सही है, ठीक। अच्छा, महक आसिम अयाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है आसिम साहब, मेरा सवाल आपसे ये, जैसा कि हम बात करें ना कि ये जो नई ऑटो पॉलिसी है, यकीनन इसके कहीं ना कहीं फ़वाद लेकिन नुकसानात भी है, और फिर ये बात हो जाना कि अच्छा हम असम्बलर नहीं है, असम्बलर है मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये तो ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है, जो कि हमें लगता है कि शायद अब हमें इंटरनेशनल मार्केट को बीट करने के लिए, वो चैलेंजेस फेस करने के लिए अब मैन्युफैक्चर हो जाना चाहिए। आपको इस नई पॉलिसी से कोई इख्तलाफ, या आप समझते हैं कि ये नई पॉलिसी आवाम के लिए बेहतर होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि जी हम असेंबलर हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं है। ये बात थोड़ा मैं खराब करूँगा। जो लोग हमारे पास पुराने प्लेयर्स हैं वो शीट मेटल इंपोर्ट करते हैं, उसको ये जो गाड़ी है, मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ, जो कुछ आपको गाड़ी में सामने नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान के अंदर ही बनता है। शीट इंपोर्ट होती है वहाँ पे, उसको वेल्डिंग का प्रोसेस होता है, कटिंग का प्रोसेस है, प्रेस शॉप्स हैं, और उसके बाद यहाँ पे सीट्स बनती हैं, जो यानी मैंने आपको कहा जिसको आप टच एंड फील कर सकते हैं वो पाकिस्तान में बन रहा है। दूसरा जो डिलीशन प्रोग्राम है, मैंडेटरी लोकलाइजेशन के प्रोग्राम 2003-04 में WTO की वजह से ख़त्म हुए। अब आप ये पाबंदी लगा नहीं सकते कि कल कि जी आपने लोकल पाकिस्तान के अंदर ही गाड़ी बनानी है, उसमें टैरिफ का डिफरेंस ज़रूर मौजूद है। ये टेक्नो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के ऊपर, जिसने पाकिस्तान से पुर्जा लेना है या इम्पोर्ट करना है वो इम्पोर्ट हो रहा है। हमारे यहाँ मैं एग्री करूँगा शहजाद साहब की बात से कि बहुत कुछ इम्पोर्ट हो रहा है, एग्रीड, लेकिन यही मुझे बताएंगे कि जो हमारे वॉल्यूम्स हैं ये क्यों नहीं बढ़े? 2002-03 से ऑनवर्ड्स हमारी पॉलिसीज में शिफ्ट होता रहा। अब हमने पॉलिसी को, एक पिछली पॉलिसी को चलने दिया करंट गवर्नमेंट ने, उसका फ़ायदा आप देखें कि 7 नए असेंबलर्स हमारे पास गाड़ियां बना रहे हैं। अब मैं ये भी आपको बता दूं कि गाड़ी बनाना जो है ये इतना आसान काम भी नहीं होता, इसमें सारी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं और इसमें मार्केट में सही तरह से आने में टाइम लगता है। ठीक है, हमारी डिमांड 3.5 लाख थी, हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पौने 3 लाख थी हमेशा से। अब ये जो नए लोग आए हैं, अब हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4,39,500 हो गई है, लेकिन जब ये फुल स्विंग पे चलेगी इंडस्ट्री तो लोगों को गाड़ियां भी मिलेंगी। जो बीच में मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, मैं कोई यहाँ पे स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ असेंबलर्स का, मैं गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूँ, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का, लेकिन ये मैं बता दूं कि जो आप या मैं गाड़ी बुक करते हैं या कोई भी इन्वेस्टर गाड़ी बुक करता है तो उसका चेक तो सीधा कंपनी के नाम जाता है, वो इन्वेस्टर कंपनी को कोई ज़्यादा पैसे तो नहीं देता। सही है। उसके बाद वो शॉर्टेज अगर क्रिएट होती है तो उसका बायर मौजूद है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक पॉलिसी में ये कह सकती है कि जी आप कस्टमर को री एजुकेट करना चाहिए, हम करते भी हैं। ठीक है, हमने डीलर से
या इन लोगों से अपनी डीलरशिप से लगवाया भी हुआ कि से नो टू ओन, येट अगेन अगर मैं ये कहूँ कि जी ये सब कुछ नहीं हो रहा, हो रहा होगा आसिम साहब, लेकिन डीलरशिप्स को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रहा। सॉरी टू कट यू, लेकिन आपने बहुत सारी बातों से इत्तेफाक किया शहजाद साहब की, लेकिन शहजाद साहब आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं कर रहे। मैं चाहूँगी शहजाद साहब प्लीज जरा रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, एक तो इन्होंने कहा जी कि ये इनकी प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ी, तो मेरा सवाल आसिम साहब से ये है कि एडीपी का काम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो इंडस्ट्री है उसका काम क्या है? असल में इनके मुंह खून लग चुका है लोकल असम्बलरों के, इनकी गाड़ियां ब्लैक में बिकना ज़रूरी है इनके लिए, प्रोडक्शन बढ़ाना ज़रूरी नहीं है इनके लिए। जबकि हमारे मुल्क की आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, 10 लाख सालाना गाड़ियों की ज़रूरत है हमें, 3 लाख गाड़ियाँ इसम्बल करते रहें, 30-40 हज़ार गाड़ियाँ सी के अपना जो है वो पर्सनल बैगेज गिफ्ट हाँ, और उसके तहत आती रहीं। हमारे मुल्क में जो बाकी 7 लाख गाड़ियाँ या 7.5 लाख गाड़ियाँ लोग मजबूर हैं, 10 साल 15 साल 20 साल जो रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, क्योंकि कुव्वत खरीद में हमारी गाड़ी नहीं है। आज देखें ये पाकिस्तान जो है ना, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है। इन्हें कौन बिजनेसमैन बनाए? क्या आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, आपके प्रॉफिट और मार्जिन बेइंतहा मिलेंगे आपको? ऐसा है कि नहीं मिलेंगे। और अच्छा, इन्होंने कहा जी कि गाड़ी बनाना कोई आसान काम नहीं है। भाई 40 साल हो गए आपकी नाक के नीचे सुजुकी को, आज तक एक मैं एक ये आपको बात कहना चाहता हूँ, 40 साल में तो पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो हम आज तक मैन्युफैक्चरर नहीं है, आज तक हम असेंबलर्स हैं, आज तक मैन्युफैक्चरर्स नहीं है। देखें आसिम साहब 1.6 बिलियन की सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट हुई लास्ट ईयर। हमें एक तरफ पैसा बचाना है, डॉलर बचाना है, दूसरी तरफ इन्होंने कहा जी कि हम किसी को रोक नहीं सकते। आप मुझे बताएंगे जो असेंबलिंग प्लांट लगाता है वो 100 से 150 गाड़ियों से ज़्यादा नहीं ला सकता? क्या मुझे ये बता सकते हैं आप कि एमजी वाला जो है वो 13,000 गाड़ियाँ ले आया, वो किस पॉलिसी के तहत ले आया? अच्छा, गाड़ियाँ लाए ना लाए, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हमारे यहाँ खुद भी आपने कंपेयर किया प्राइसेस में और क्वालिटी में क्यों इतना फर्क है? आप देखें वो कभी गाड़ी बीच से आधी हो गई, कभी कुछ हो गई। यही चीज़ मैं आज सबसे भी पूछूंगा। सर ये मुझे बताएं कि क्यों ऐसा होता है कि प्राइसेस तो माशाल्लाह बड़े ही बड़े जा रहे हैं आसिम भाई, लेकिन क्वालिटी, एयर बैग्स नहीं होते बहुत सी गाड़ियों में, इतनी सारे मसले मसाइल होते हैं, क्यों क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों है? मैं वन बाय वन जवाब देता हूं जी। एमजी को अभी तक मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला। अगर कोई कमर्शियल इंपोर्ट करता है तो वो शहजाद साहब भी कर सकते हैं और वो एमजी भी कर सकते हैं, उससे हमारी कोटा का कोई ताल्लुक नहीं है। जो गाड़ी का कोटा अंडर पॉलिसी मिला था वो 100 वेरिएंट लाने की इजाज़त थी। अगर फर्ज करें किया ने 40 गाड़ियां लाई हैं टोटल इंपोर्ट की हैं, तो आज उनकी प्रोडक्शन देख लें। ऐसा है जो दूसरा सवाल था आपका सर, एमजी का बताइए ना सर जी। हाँ आसिम भाई, एमजी का बताइए। अच्छा, एमजी ने कमर्शियल इंपोर्ट्स की हैं, उसको कोई लाइसेंस मिनिस्ट्री, ठीक है सर, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, लेकिन इशू गाड़ियों से रिलेटेड यही है जो मेन आता है वो ये। सबसे बहुत शुक्रिया आसिम साहब और अशरफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर सो मच फॉर द टाइम। मौसम की बात करते हैं, आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, और जब बारिश और बर्फबारी होती है आज़ाद कश्मीर में होता क्या है, मंजर मज़ीद खूबसूरत हो जाता है। फैसल का दिल ललचाता है, मेरा भी दिल ललचाता है कि हम यहाँ पे जाएं। बलाई इलाकों में आसमान से ओले बरसने लगे हैं, और ज़िला हुंजा और नगर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ के बलाई और मैदानी इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से मौसम मज़ीद ठंडा हो गया है। हुंजा और नगर में पारा -8 तक जा पहुँचा है। लेकिन अगर आप कराची में रहते हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कराची में भी ठंडी हवाओं का राज है और अब सर्दी बढ़ जाएगी। मगरिब से आने वाली ठंडी हवाएं इस बार एक चीज़ साथ लेकर आ रही हैं, वो क्या है? बारिश। यानी अब कराची में ठंड बढ़ेगी, साथ में बारिश भी होगी, और महकमे मौसमियात ने जाड़े में बूंदे गिरने से फिर कराची में सर्दी बढ़ने की पेशगोई कर दी है। तो कराची वाले जो कम अरसे के लिए गर्म कपड़े निकालते थे और गर्म खाबे खाते थे ना, तो मुझे लगता है फैसल वो अब ज़्यादा देर के लिए सर्दी को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। मोहम्मद रियाज खान DGPMD हमारे साथ मौजूद है। रियाज साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, मौसम मुख्तलिफ करवटें ले रहा है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनकी बात करूँ, कराची का क्या इशू है? अगर कल आपने कराची वालों ने एक्सपीरियंस किया, कल शाम में सर्दी बिल्कुल भी नहीं थी,
परसों सर्दी थी और आज शाम में न जाने क्या होने जा रहा है, तो मुझे बताइए कराची का ये बेवफा करवट लेता मौसम आगे मजीद कौन कौन से रंग दिखाने जा रहे हैं? नहीं, कराची और नॉर्दर्न एरिया में काफ़ी फ़र्क है, चूँकि वो बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ पे काफ़ी जो सी सरफेस जो सी लेवल है उससे काफ़ी हाइट पे है, 4,000, 5,000, 6,000 मीटर तक वह के एक्सटेंट है, तो वहाँ डेफिनेटली और नॉर्दर्न जो लेटीट्यूड्स है उस पे लाई कर रहे हैं, इसी वजह से वहाँ पे तो सर्दी डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन कराची चूंकि कोस्टल एरिया है और बिल्कुल सी लेवल के साथ ही है, कहीं 4 फीट है, कहीं पे 6 फीट अबव है, तो वहाँ डेफिनेटली, और फिर जो अरेबियन सी है उसकी एक्सटेंट की वजह से वहाँ के जो क्लाइमेट है वो डेफिनेटली वो स्लाइटली वार्म होना चाहिए एज कम्पेयर टू द लैंड एरिया है, तो ये तो डेफिनेटली, और ये क्लाइमेटोलॉजिकली हिस्टोरिकली यही होता है कि कराची इज स्लाइटली वार्म न्यूट्रलाइज एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो दूसरा ये है कि चूंकि विंटर सीजन चल रही है और ज्यादा कराची के जो इम्पैक्ट टेम्परेचर फॉल हो जाता है वो जब भी एक तो रेन की वजह से और दूसरा है कि जो ड्राई कॉन्टिनेंटल कोल्ड एयर मैस जो है वो कन्वेक्ट कर जाते हैं यहाँ सेन की तरफ से, तो देन वो वहां पे टेम्परेचर फॉल हो जाता है। अभी स्लाइटली तो एक वेव आया था लेकिन ये कि अब वो दोबारा इतना ज्यादा वो शॉर्ट था, अब दोबारा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कराची में जो कंडीशन है मेट्रोलॉजिकल कंडीशन वो इस लेवल पे आ रही है कि 26 को और 27 को कुछ लाइट रेन की एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है, जिनके बायस जाहिर है यहाँ पे लाइट रेन, लाइट और अब सम कुछ इलाकों में वह मॉडरेटली हो सकती हैं लेकिन ज़्यादातर लाइट रेन हो सकती हैं, और जिनके बायस स्लाइटली टेम्परेचर में फॉल पॉसिबिलिटी है। जी सही है। अच्छा रिया साहब, ये ज़रा अगर मैं कराची से निकल के पंजाब का रुख कर लूँ तो ये पंजाब वाले तो बहुत दुआएं मांग रहे हैं कि बस बारिश हो जाए, चाहे थोड़ी हो ज़्यादा हो लेकिन बारिश हो जाए, तो पंजाब में मैदानी या बलाई इलाकों की अगर बात की जाए तो बारिश का क्या हम सीन सुन सकते हैं कि कितने एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर का जो लास्ट वीक शुरू होगा इसमें बारिश हो जाए? जी बिल्कुल, यही जी ये बिल्कुल यही सिस्टम जो प्रिवेल कर रहे हैं, ये बलूचिस्तान से होके आएगा तो इसमें सिंध की तरफ भी और डेफिनेटली पंजाब के जो एरियाज है वहाँ पे भी बारिश की लाइट टू मॉडरेट किस्म की एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा स्वेरिटी तो नहीं है लेकिन मॉडरेट लाइट किस्म की एक्टिविटी पंजाब में भी पॉसिबिलिटी है, और जिसके पास जो खासकर पंजाब में इस वक्त जो इंटेंसीफाइड किस्म की स्मॉगी सिचुएशन है वो बेहतर हो सकती है, उसमें जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो काफ़ी हद तक उसमें बेहतरी आएगी। सही है। अच्छा और रिया साहब, जो हमने लास्ट टाइम विंटर का हमने सीज़न फेस किया था, इस दफ़ा हम देखेंगे कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा या फिर कम होगा, वो चाहे सिंध है, पंजाब है या फिर हम ये देखें आज़ाद कश्मीर या दीगर इलाके? नहीं, कोई है सच कोई बहुत ज्यादा स्वेरिटी नहीं है क्योंकि सर्दी का तो सीजन आधा खत्म हो गया है, दिसंबर में होनी चाहिए और लास्ट वीक स्टार्ट होने वाली है, तो दिसंबर में सिर्फ एक स्पेल आया जिसमें स्लाइटली टेम्परेचर फॉल हो गए थे और एक हल्का सा स्वेरिटी आ गई थी। अब आगे जो जनवरी है तो 15 जनवरी तक क्लाइमेटोलॉजिकली जितना भी एक्सट्रीम टेम्परेचर फॉल टेम्परेचर या शदीद सर्दी रही है वो 15 जनवरी तक रही है, तो 15 जनवरी डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ वेव दोबारा आ सकते हैं लेकिन इतना ज्यादा भी स्वेरिटी नहीं आ सकती सर्दी में, वो रूटीन वाली सर्दी जिसमें कुछ जगह पे डेफिनेटली पाकिस्तान चूंकि लॉन्गिट्यूडनल लाई कर रहे हैं जिसमें कुछ एरियाज में माइनस टेम्परेचर पहले भी चल रहे हैं, आगे अभी भी चल रहा है और आगे भी है, और कुछ में तकरीबन 10 और 5 के दरमियान या कुछ इलाकों में कुछ 2 तक आ सकते हैं, तो ये ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा स्वेरिटी नहीं है लेकिन ओवरऑल एक और लेयर भी पॉसिबिलिटी है कि सर्दी के आ सकते हैं। ठीक है। और रिया साहब, एक पाकिस्तानी में खसूसियत भी तो है ना, कम हो या ज्यादा सर्दी इंजॉय कर लेते हैं भरपूर तरीके से। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू के लिए। तो आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात की जाएगी। 2 दिन आपने बहुत सारा अपना ख्याल रखना है, बेस्ट ऑफ नया दिन देखना है और हमें दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।